हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल ऑडियोबर्स री इंकारनेशन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट वर्ल्ड गॉड चैप्टर 1101 टू 1110 हजार ईविल एनर्जी के अपव्यय ने स्टोन फॉरेस्ट टाउन के बाहर स्वतंत्र खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित किया क्या क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि दुष्ट शक्ति कभी नष्ट नहीं होगी मुझे मिली जानकारी के आधार पर ईविल एनर्जी को हटाने के लिए स्रोत को अलग करने की जरूरत है क्या जीरो विंग बुक रूप से पहले ही स्रोत से निपट सकता था यह सही नहीं है एनर्जी को इस बार ब्लैक रिच टाउन से उत्पन्न होना चाहिए था हालांकि ब्लैक रिच टाउन अभी भी वही है Zero ने इसे कैसे किया हर कोई इस विकास की चर्चा कर रहा था बहुत जल्दी इस स्थिति की खबर पूरे स्टारमून किंगडम में फैल गई स्टारमून सिटी ब्लैकवाटर का निवास असंभव उन्होंने ईविल एनर्जी को हटाने का प्रबंधन कैसे किया परित्यक्त लहर व्यावहारिक रूप से चिल्ला उठी जब उसने उस रिपोर्ट को पढ़ा जो उसे अभी अभी प्राप्त हुई थी जीरो विंग इस जानकारी को फेक कर रहा होगा मैं गारंटी दे सकता हूं कि दुष्ट ऊर्जा को हटाना असंभव है श्रापों के विपरीत ईविल एनर्जी को शुद्ध नहीं किया जा सकता था यह एक तरह की अराजक ऊर्जा थी एक संक्रामक वायरस की तरह यह स्वचालित रूप से ऊर्जा के अन्य रूपों को ईविल एनर्जी में बदल देगा स्रोत को समाप्त किए बिना स्टोन फॉरेस्ट टाउन को प्रदूषित करने वाली ईविल एनर्जी को हटाना असंभव था हालांकि स्रोत को हटाना करने की तुलना में कहना आसान था यहां तक कि उन्हें सोर्स की सही लोकेशन का भी पता नहीं था यदि यह वास्तव में ब्लैक रिच टाउन में स्थित था तो राक्षस पीड़ित शहर ऐसा स्थान नहीं था जहां वर्तमान खिलाड़ी आ सकें इसके अलावा ईविल एनर्जी खिलाड़ियों के लिए बेहद हानिकारक थी यदि खिलाड़ी लंबे समय तक ईविल एनर्जी में डूबे रहते हैं तो वे संक्रमित हो जाते हैं और कमज़ोर अवस्था में आ जाते हैं बहुत लंबे समय तक ईविल एनर्जी के संपर्क में आने वाले खिलाड़ी राक्षसों में भी बदल जाते हैं यदि ऐसा होता है तो उन्हें काफी समय के लिए भगवान के डोमेन में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा इन भयानक परिणामों के कारण ब्लैक रिच टाउन में राक्षसों को साफ करना बेहद कठिन था इसलिए उनका दृढ़ विश्वास था कि जीरो विन स्टोन फॉरेस्ट टाउन को प्रदूषित करने वाली इबिल एनर्जी को दूर नहीं कर सकता है एकमात्र संभावना यह थी कि जीरो विंग फर्जी खबरें जारी कर रहा था आखिरकार जीरो विंग ने पहले अपने द्वारा बनाए गए बैटल अरीना में बहुत सारे सदस्यों को पंजीकृत किया था सदस्यता शुल्क में एक मोटी राशि एकत्र की यदि बैटल एरिना चला गया था तो वे सदस्य अपने नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर सकते थे इसलिए इस फेक न्यूज को जारी करने के पीछे निस्संदेह उन सदस्यों को तुष्ट करने की मंशा थी संघ के नेता यह सच है जीरो विंग में हमारे जासूस पहले ही इस बात की पुष्टि कर चुके हैं शहर के अंदर ईविल एनर्जी वास्तव में धीरे धीरे विलुप्त हो रही है इस दर पर शहर की सभी ईविल एनर्जी को पूरी तरह से गायब होने में पांच दिन से भी कम समय लगेगा तब तक स्टोन फॉरेस्ट टाउन अपने संचालन को फिर से शुरू करने में सक्षम हो जाएगा किन मुयुन ने कहा उसके चेहरे पर एक बदसूरत अभिव्यक्ति के रूप में उसने एक और दस्तावेज निकाला न केवल ब्लैकवाटर गिल्ड ने काफ़ी संभ्रांत सदस्यों को खो दिया था बल्कि स्टारमून किंगडम में गिल्ड की प्रतिष्ठा भी नीचे गिर गई थी सदस्य हर मिनट गिल्ड से हट रहे थे सबसे अधिक संभावना है उन्हें अपनी पिछली स्थिति में लौटने के लिए लंबे समय तक स्वास्थ्य लाभ करना होगा मूल रूप से जीरो विंग के स्टोन फॉरेस्ट टाउन को खो देने के साथ ब्लैकवाटर जीरो विंग को जल्दी से पार करने के लिए अपने फंड और पृष्ठभूमि का लाभ उठाने में सक्षम होगा हालांकि अब जब स्टोन फॉरेस्ट टाउन ठीक था तो क्या ब्लैकवाटर जीरो विंग की विकास गति को भी पार कर सकता था यह सवालों के घेरे में था यह एक ऐसा परिणाम नहीं था जिसे ब्लैकवाटर कॉर्पोरेशन के ऊपरी सोपानक देखने को तैयार थे यह नहीं चलेगा मैं स्टोन फॉरेस्ट टाउन को इस दुनिया में मौजूद नहीं रहने दे सकता हालांकि परित्यक्त लहर इस मामले की सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी लेकिन तथ्य उसके सामने पहले से ही थे ऐसे में उन्हें तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत थी उस आदमी को तुरंत सूचित करें उसे बताएं कि मैं उसे उन खिलाड़ियों को उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा जिनकी उसे जरूरत है हालांकि मैं चाहता हूं कि वह पांच दिनों के भीतर अपनी राक्षस सेना को स्टोन फॉरेस्ट टाउन को पूरी तरह से खत्म कर दे किन मुयुन इन शब्दों पर अपनी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका उसने कभी नहीं सोचा था कि परित्यक्त लहर पहले ही इस हद तक अपना विवेक खो चुकी है उन सभी राक्षसों का पालन पोषण करना आसान नहीं था उनके लिए बलिदान किया गया कोई भी खिलाड़ी कई दिनों तक भगवान के डोमेन में प्रवेश करने में असमर्थ होगा ब्लैकवाटर के कुलीन और विशेषज्ञ खिलाड़ी इस युद्ध से पहले ही एक स्तर खो चुके थे अगर उन्हें फिर से बलिदान किया गया आप अभी भी वहां किस लिए खड़े हैं परित्यक्त लहर किन मुलिन को घूर रही थी यह मत भूलो कि मैं अभी भी गिर्द लीडर हूं स्थिति के बारे में कुछ भी करने में असमर्थ किन मयून के पास पट्टी बांधे हुए व्यक्ति से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था काला लॉन थोड़ा इंतजार करिए इस बार मैं निश्चित रूप से तुम्हें भारी कीमत चुकाऊंगा परित्यक्त लहर ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और स्टोन फॉरेस्ट टाउन की दिशा में घूरते हुए ठंडी हंसी हंसी स्टोन फॉरेस्ट टाउन के अंदर जीरोविन ने युद्ध के मैदान की सफाई भी शुरू कर दी थी यह युद्ध काफी तीव्र रहा था स्टोन फॉरेस्ट टाउन की आधे से अधिक इमारतें खंडहर में पड़ी हैं गिल्ड निवास एक अपूरणीय गड़बड़ी थी यहां तक कि बैटल एरिना को भी काफ़ी नुकसान हुआ था और इसकी मरम्मत के लिए काफ़ी पैसा लगेगा हालांकि उनके लाभ उनके नुकसान से कहीं अधिक थे हालांकि दो सौ शून्य 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 राक्षसों की सेना ने कोई हथियार या उपकरण नहीं गिराया था लेकिन उन्होंने बहुत सारी राक्षस सामग्री गिरा दी थी लॉर्ड रैंक के राक्षसों की बूदें दुर्लभ सामग्री थीं जिनका उपयोग हथियार और उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता था इसके अलावा सरदार रैंक या उससे ऊपर के राक्षसों के पास एक प्रकार का ग्रे क्रिस्टल गिराने का एक निश्चित मौका था जिसे इविल एनर्जी क्रिस्टल कहा जाता है सामान्य खिलाड़ियों के लिए यह आइटम कचरा होगा कि वे अतिरिक्त बदलाव के लिए एनपीसी व्यापारियों को बेचेंगे हालांकि अथर्व इविल एनर्जी क्रिस्टल के वास्तविक उपयोग को जानता था यह कुछ ऐसा था जिसे अतीत में एक मास्टर फोर्ज़र ने खोजा था यदि कोई हथियार या उपकरण बनाने के दौरान इविल एनर्जी क्रिस्टल या जादू क्रिस्टल जोड़ता है तो एक निश्चित संभावना थी कि ये क्रिस्टल उत्पादित वस्तुओं पर जादू पैटर्न को जन्म देंगे हालांकि वृद्धि प्रभाव यादृक्षिक था वृद्धि आइटम की मूल विशेषताओं इसकी आक्रमण शक्ति या रक्षा या यहां तक कि इसके छिपे हुए गुणों या अतिरिक्त कौशल के लिए भी हो सकती है इसलिए अतीत में जालसाजों द्वारा इविल एनर्जी क्रिस्टल की अत्यधिक मांग की गई थी अथर्व के पिछले जीवन में एक ऐसा मामला भी था जहां इविल एनर्जी क्रिस्टल का उपयोग करके एक डार्क गोल्ड वेपन का उत्पादन किया गया था जो एपिक वेपन्स के लगभग प्रतिद्वंद्विता के गुण प्राप्त करता था एपिक आइटम की तुलना में डार्क गोल्ड आइटम का उत्पादन करना बहुत आसान था इसलिए अतीत में एक ईविल एनर्जी क्रिस्टल दस सोने के सिक्कों के लिए आसानी से बेचा जा सकता था इस कीमत पर भी एक प्राप्त करना बेहद मुश्किल था क्योंकि खेल के मध्य देर के चरण में पहुंचने के बाद कई खिलाड़ियों ने राक्षसों से प्राप्त हथियारों और उपकरणों को सुसज्जित नहीं किया इसके बजाय वे जालसाजों द्वारा उनके लिए तैयार की गई वस्तुओं का उपयोग करेंगे खिलाड़ियों को स्वाभाविक रूप से उम्मीद होगी कि उत्पादित हथियार और उपकरण मजबूत होंगे नतीसतन खिलाड़ी जिस किसी भी राज्य में ईविल गॉड्स टेम्पल दिखाई देते हैं वहां पहुंच जाते हैं इस बीच स्टोन फॉरेस्ट टाउन पर हमला करने वाले दो सौ शून्य 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 राक्षसों में से कई सरदार रैंक या उससे ऊपर के थे परिणामस्वरूप जीरो विन ने भारी लाभ अर्जित किया सभी में दो हजार चार सौ अट्ठाईस ईविल एनर्जी क्रिस्टल एकत्र किए वह कम से कम चौबीस हजार दो सौ अस्सी सोने के सिक्के थे राक्षसों द्वारा गिराई गई अन्य सामग्रियों को शामिल करने के बाद उन्होंने स्टोन फॉरेस्ट टाउन की मरम्मत के लिए पर्याप्त धन अर्जित किया था उल्लेख नहीं करने के लिए हथियारों और उपकरणों को ध्यान में रखते हुए जीरो विंग के सदस्य युद्ध में हार गए उन्होंने ब्लैकवाटर हेवंस ब्यूरियल और पैंथियॉन की संयुक्त सेना से एक सौ चौदह छह सौ तैंतीस अतिरिक्त हथियार और उपकरण प्राप्त किए थे मिश्रण में लेवल चालीस डार्क गोल्ड उपकरण के साथ सबसे घटिया आइटम लेवल पैंतीस ब्रॉन्ज इक्विपमेंट थे गिल्ड सदस्यों को मुआवजे और पुरस्कार के रूप में लूट की रकम देने के बाद भी जो राशि बची थी वह अभी भी डगमगा रही थी अथर्व द्वारा एक एकवा रोज और जेंटल स्नो द्वारा दी गई सांख्यिकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद वह बहुत देर तक अचंभे में पड़ा रहा हालांकि उसने अतीत में बहुत से बड़े युद्धों का अनुभव किया था उनमें से कोई भी इस युद्ध जितना लाभदायक नहीं था गिल्ड लीडर सीक्रेट पवेलियन के लोग आपसे मिलने के लिए कह रहे हैं वे मुझे ढूंढ रहे हैं अथर्व मदद नहीं कर सकता था लेकिन युवा टाइक्सिन द्वारा उसे पहले किए गए प्रस्ताव को याद करने लगा उन्होंने फिर जारी रखा उन्हें अभी के लिए कैंडललाइट के मुख्य मुख्यालय में प्रतीक्षा करने को कहें मैं शीघ्र ही सिर उठाऊंगा इस युद्ध ने स्टोन फॉरेस्ट टाउन को मान्यता से परे नुकसान पहुंचाया था सबसे अधिक संभावना है शहर काफी समय के लिए सामान्य संचालन को फिर से शुरू करने में सक्षम नहीं होगा दूसरे शब्दों में जीरो विंग आय का एक बड़ा स्रोत खो देगा इस बीच पुनर्निर्माण में बहुत सारे सिक्के खर्च होंगे हालांकि ईविल एनर्जी क्रिस्टल बेचना निस्संदेह एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण कदम होगा इसके अलावा क्रिस्टल का कार्य अभी भी सभी के लिए अज्ञात था लेकिन स्वयं वह संभवतः इसे दूसरों के सामने कैसे प्रकट कर सकता है फिर भी केवल कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की आय पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं थी उल्लेख नहीं है उसे अपने शहर का निर्माण करने के लिए धन की भी आवश्यकता थी वास्तव में गुप्त मंडप के साथ उचित बातचीत करने की आवश्यकता थी गॉड्स डोमेन में महाशक्तियों में गुप्त मंडप निसंदेह सबसे अमीर था हर हफ्ते जारी की जाने वाली विशेषज्ञों की सूची से होने वाली आय एक खगोलीय राशि थी सूचना बेचने से अर्जित परामर्श शुल्क भी थे उसके लिए यह मूर्खता होगी कि वह उस स्थिति का फायदा न उठाए जब इतने धनी ग्राहक ने खुद को उसके दरवाजे तक पहुंचा दिया जिस तरह एक बार रोज बैठक की जगह के बारे में सीक्रेट पवेलियन को सूचित कर रहा था जेंटल स्नो ने आकर सूचना दी गिड लीडर कई स्वतंत्र खिलाड़ी वर्तमान में स्टोन फॉरेस्ट टाउन को फिर से खोलने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं विशेष रूप से वे खिलाड़ी जो इसके सदस्य हैं युद्ध क्षेत्र वे हमसे शहर के बैटल एरिना को तुरंत फिर से खोलने के लिए कह रहे हैं अन्यथा वे अपने जादुई क्रिस्टल वापस मांगने जा रहे हैं क्या हमें इन सदस्यों को खुश करने के लिए सबसे पहले बैटल अरीना की मरम्मत को प्राथमिकता देनी चाहिए यदि वे उपद्रव करना जारी रखते हैं तो संभावना है कि कई खिलाड़ी अपनी सदस्यता वापस लेने की मांग करेंगे जीरो विंग के वाइस गिल्ड लीडर के रूप में जेंटल स्नो के पास जीरो विंग के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी थी तो वह बहुत स्पष्ट थी कि वर्तमान में जीरो विंग कितना खराब था अतीत में उसने हमेशा सोचा था कि जीरो विंग निश्चित रूप से स्टारमोन किंगड़म का सबसे धनी गिल्ड था आखिरकार इसमें कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म और स्टोन फॉरेस्ट टाउन आय प्रदान करते थे इन दोनों स्थानों पर प्रतिदिन जितने सिक्के निकाले जाते हैं वे प्रथम श्रेणी की मंडलियों के संघ के नेताओं को भी ईर्ष्यालु बना सकते हैं हालांकि जब उसने जीरो विंग के खातों पर एक नजर डाली तो वे कागज की एक कोरी शीट भी हो सकते थे इसने वास्तव में उसे आश्चर्यचित कर दिया कि जीरो विंग द्वारा अर्जित धन कहा जा रहा था जेंटल स्नो को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जीरो विंग वास्तव में बहुत सारे सिक्के कमा रहा था लेकिन यह और भी अधिक खर्च कर रहा था सोने के सिक्कों का खर्च हजारों में था क्या वे इतनी जल्दी में हैं स्थिति पर कुछ विचार करने के बाद अथर्व मुस्कुराया और बोला ठीक है फिर उन्हें बताएं कि अगर वे चाहें तो वापस ले सकते हैं हालांकि शहर के पुनर्निर्माण के बाद बैटल एरिना के लिए सदस्यता शुल्क बढ़ाकर 1200 मैजिक क्रिस्टल कर दिया जाएगा इसके अलावा कॉम्बैट रूम का किराया दोगुना कर दिया जाएगा अगर वे अपनी सदस्यता वापस लेना चाहते हैं तो मैं ऐसा करने के लिए उनका बहुत स्वागत करता हूं यह कोमल हिम अथर्व को घूरने से खुद को रोक नहीं सकी स्तब्ध रह गई यदि वे ऐसा करते हैं तो वे व्यावहारिक रूप से अपने ग्राहकों का पीछा कर रहे होंगे पहले उनके द्वारा ली जाने वाली सदस्यता पहले से ही अधिकांश स्वतंत्र खिलाड़ियों की पहुंच से बाहर थी केवल एक मूर्ख ही एक मैजिक क्रिस्टल देने को तैयार होगा कहने की बात नहीं है अगर उन्होंने लड़ाकू कमरों का किराया दोगुना कर दिया तो इससे बैटल एरिना में व्यापार भी प्रभावित हो सकता है आराम करना जैसा है वैसा ही उन्हें बताओ अतिरिक्त स्पष्टीकरण की परवाह न करते हुए अथर्व ने अपना हाथ हिलाया पहले उन्होंने स्टोन फॉरेस्ट टाउन को एक छोटे शहर के रूप में चलाने पर ध्यान केंद्रित किया था जिसका सामान्य खिलाड़ी भी आनंद ले सकते थे हालांकि अब उन्होंने अपना इरादा बदल दिया था वह स्टोन फॉरेस्ट टाउन को पीवीपी पी के लिए एक पवित्र भूमि में बदलना चाहता था अब जब स्टोन फॉरेस्ट टाउन में तीन मैजिक टावर थे परिवेशी मान घनत्व पहले की तुलना में बहुत अधिक था बस तीन मीनारों के रखरखाव का खर्चा बहुत ज़्यादा था यदि जीरो विंग तीन टावरों को संचालन में रखना चाहता है तो मौजूदा कीमतों को बनाए रखना असंभव था सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उनके हाथों में टाउन प्रमोशन ऑर्डर था अथर्व ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लैंसलॉट वास्तव में ऐसा कुछ गिरा देगा हालांकि यह टाउन प्रमोशन ऑर्डर केवल सीक्रेट सिल्वर रैंक था यह एक बेसिक टाउन को सीधे इंटरमीडिएट टाउन में बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त था यह एक ऐसा खजाना था जिसे पाने का सपना कई संघों ने देखा था कोई भी गिल्ड बीस महाकाव्य वस्तुओं के लिए भी इसका व्यापार करने को तैयार नहीं होगा भगवान के क्षेत्र में एक शहर को बढ़ावा देना एक चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव था यह बहुत समय लेने वाला भी था जरा सी भी अस्थिरता या सुरक्षा समस्या के कारण कई दिनों का प्रयास बेकार चला जा सकता है टाउन प्रमोशन ऑर्डर के साथ हालांकि अथर्व एनपीसी आबादी की आवश्यकता को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए स्टोन फॉरेस्ट टाउन को एक इंटरमीडिएट टाउन में बढ़ावा देने में सक्षम होगा वह 2000 हजार एनपीसी गार्डों को नियुक्त करने में भी सक्षम होगा उसी समय वह रक्षा बुर्ज जैसे बुनियादी लोगों के बजाय वास्तविक रक्षात्मक संरचनाओं का निर्माण कर सकता था शहर का आकार भी कई गुना बढ़ जाएगा इसके साथ स्टोन फॉरेस्ट टाउन सड़कों पर चलते समय खिलाड़ियों को एक दूसरे के खिलाफ निचोड़ने के बजाय कई और खिलाड़ियों को समायोजित करने में सक्षम होगा एक बड़ा शहर निश्चित रूप से अधिक खिलाड़ियों को आकर्षित करेगा उन्हें दर्शकों के खोने की जरा भी चिंता नहीं थी एक बार स्टोन फॉरेस्ट टाउन को बढ़ावा देने के बाद वह इसके अंदर की सभी संरचनाओं को समतल कर सकता था उनका विस्तार कर सकता था उदाहरण के लिए बैटल एरिना को लें वर्तमान में यह केवल पांच मंजिला इमारत थी एक बार शहर का प्रचार हो जाने के बाद बैटल एरिना में आठ मंजिलें हो सकती थीं भूमिगत स्तर को शामिल करने के बाद बैटल एरिना में कुल नौ मंजिलें होंगी इसके साथ प्रत्येक दिन उन्हें मिलने वाले ग्राहकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होगी तब तक स्टोन फॉरेस्ट टाउन वास्तव में पैसा बनाने वाली मशीन बन जाएगा हालांकि इस सब के लिए एक शर्त थी और वह पैसा था इसके अलावा यह काफी राशि होनी चाहिए थी अथर्व की प्रतिक्रिया सुनकर जेंटल स्नो ने बेपसी से स्टोन फॉरेस्ट टाउन में सभी को नए नियमों की जानकारी दी जहां तक अथर्व का सवाल है उन्होंने व्हाइट रिवर सिटी की यात्रा के लिए रिटर्न स्क्रॉल का इस्तेमाल किया नए नियमों ने कई स्वतंत्र खिलाड़ियों को तुरंत क्रोधित कर दिया जीरो विन बस ओवरबोर्ड जा रहा है एक मैजिक क्रिस्टल की सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के लिए कौन तैयार होगा वे अब किराया भी दोगुना कर रहे हैं क्या उन्हें लगता है कि हमारा पैसा पेड़ों पर उगता है मुझे रिफंड मिलने वाला है केवल एक मूर्ख ही भविष्य में स्टोन फॉरेस्ट टाउन का दौरा करेगा अगर मेरे पास उस तरह का पैसा होता तो मैं उसे डिवाइन कोलोसियम में खर्च कर सकता था स्टोन फॉरेस्ट टाउन में लगाए गए जासूस ब्लैकवाटर ने नए नियमों पर हंगामा करना शुरू कर दिया हालांकि कई स्वतंत्र खिलाड़ियों को उनकी बातें उचित लगीं हालांकि स्टोन फॉरेस्ट टाउन में माना घनत्व वास्तव में थोड़ा बढ़ गया था और उनकी ताकत में सुधार के लिए फायदेमंद होगा नई कीमतें सामान्य खिलाड़ियों की पहुंच से परे थीं यहां तक कि संभ्रांत खिलाड़ी भी लंबे समय तक युद्ध के मैदान में प्रशिक्षण लेने में सक्षम नहीं होंगे एक समय के लिए बैटल एरिना के कई सदस्यों ने रिफंड का अनुरोध किया यह महसूस करते हुए कि जीरो विन उनके पैसे से उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा था जब एकवा रोज और जेंटल स्नो इस मामले से जूझ रहे थे तब अथर् वाइट सिटी के एडवेंचरर्स एसोसिएशन की दूसरी मंजिल पर एक वीआईपी कमरे के अंदर एक सोफे पर बैठा था इतमीनान से इंटरमीडिएट टाउन के डिजाइनों के माध्यम से ब्राउज कर रहा था खिलाड़ियों के पास चुनने के लिए इंटरमीडिएट टाउन के कई टैम्पलेट थे और प्रत्येक टैंपलेट के अपने मज़बूत बिंदु थे इसी तरह अलग अलग टैंपलेट की अलग अलग कीमतें थीं कुछ सांचे एनपीसीज के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए अधिक अनुकूल थे इस तरह के टैम्पलेट ने शहर की लोकप्रियता को और अधिक तेजी से बढ़ने दिया इसी तरह खिलाड़ियों के माध्यम से आर्थिक विकास की दिशा में तैयार किए गए खाके थे इसके अलावा कुछ टैंपलेट ने शक्तिशाली एनपीसी गार्डों को काम पर रखने की सुविधा प्रदान की किसी भी मामले में खिलाड़ियों के निर्माण की इच्छा रखने वाले शहर के प्रकार के आधार पर कई प्रकार के टेम्पलेट उपलब्ध थे एक कस्बे पर कब्जा करने के विपरीत एक कस्बे को बेचने में बहुत कम खर्च आता है इसके अलावा जैसा कि अथर्व प्रमोशन ऑर्डर का उपयोग कर रहा था खर्च और भी कम था स्टोन फॉरेस्ट टाउन को इंटरमीडिएट टाउन का दर्जा देने के लिए उन्हें केवल तीन गोल्ड खर्च करने की जरूरत थी सिटी प्रोटेक्टर के रूप में अपनी पहचान लागू करने के बाद उन्हें 20 परसेंट की छूट मिलेगी और कुल मिलाकर केवल 2400 गोल्ड का भुगतान करने की आवश्यकता होगी इस बचत से अधिक पैसा मुक्त हो गया जिससे वह बेहतर टेम्पलेट चुन सकता था निश्चित रूप से लेंसलॉट द्वारा गिराए गए की तुलना में यहां उपलब्ध टेम्पलेट काफी घटिया हैं ध्यान से देखने पर अथर्व ने कुछ टैम्पलेट देखे जो केवल उनके सिटी प्रोटेक्टर टाइटल के कारण उन्हें उपलब्ध कराए गए थे फिर भी उनमें से कोई भी लेंसलॉट द्वारा गिराए गए टाउन डिजाइन से मेल नहीं खा सका अथर्व फिर एक तरफ खड़ी एनपीसी सुंदरी की ओर मुड़ा और अपने बैग से एक प्राचीन डिजाइन निकाला धीरे से उसने पूछा अगर मैं इस डिजाइन को यहां इस्तेमाल करना चाहूं तो इसकी कीमत कितनी होगी अथर्व द्वारा प्रकट किए गए डिज़ाइन पर एक नजर डालते हुए एनपीसी सुंदरी की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि डिजाइन ने उसे पूरा ध्यान देने की मांग की कुछ समय बाद ही उसने अपना मुंह खोला और कहा भगवान रक्षक इन निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और इस डिजाइन के लिए आवश्यक कौशल का स्तर बेहद ऊंचा है मैं तत्काल उत्तर नहीं दे सकता मुझे एसोसिएशन के नेता से डिजाइन का मूल्यांकन करने के लिए कहना होगा क्या मेरे स्वामी यहां थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को तैयार होंगे यहां तक कि आप एक सटीक कीमत नहीं दे सकते अथर्व ने महिला वरिष्ठ प्रशासक से पूछा यह पहली बार था जब उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था एडवेंचरर्स एसोसिएशन में एनपीसी को साधारण स्टाफ सदस्य प्रशासक वरिष्ठ प्रशासक वाइस एसोसिएशन मास्टर और एसोसिएशन मास्टर में वर्गीकृत किया गया था प्रत्येक एडवेंचरर्स को एक स्टार से लेकर पांच स्टार की स्थिति में रखता है वरिष्ठ प्रशासक बनने में सक्षम किसी भी व्यक्ति के पास प्रतिद्वंद्वी एनपीसी लाइफस्टाइल मास्टर्स की अंतर्दृष्टि और ज्ञान भी था हालांकि यह डिज़ाइन जीर्णशीर्ण है मुझे यकीन है कि एक ग्रैंड मास्टर ने इसे बनाया है एक ग्रैंड मास्टर का टाउन डिज़ाइन मेरी मूल्यांकन क्षमताओं के दायरे से बाहर है हमारी शाखा में केवल एसोसिएशन मास्टर ही इसका मूल्यांकन कर सकते हैं वरिष्ठ प्रशासक ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए समझाया ठीक है एसोसिएशन मास्टर को इसका मूल्यांकन करने दें अथर्व ने सिर हिलाया गॉड्स डोमेन में एक शहर का प्रचार करते समय डिज़ाइन का चयन प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा था जबकि शहर का निर्माण करने के लिए डिज़ाइन का उपयोग करना दूसरा था प्रमोशन की प्रक्रिया किसी बेसिक टाउन पर कब्जा करने जितनी आसान नहीं थी कोई कह सकता है कि एक कस्बे ने केवल एक मध्यवर्ती नगर बनने के बाद ही वास्तव में अपना संचालन शुरू किया एडवेंचरर्स एसोसिएशन ने आमतौर पर खिलाड़ियों को चुनने के लिए कई टैंपलेट डिज़ाइन प्रदान किए उनकी कीमतें आमतौर पर एक से तीन गोल्ड तक होती हैं एडवेंचरर एसोसिएशन केवल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कई मास्टर डिज़ाइन पेश करेगा जिसने चार सितारा एडवेंचरर की स्थिति का आनंद लिया हो जैसे कि स्वयं इन टेम्पलेट की कीमत चार हज़ार से पांच हज़ार गोल्ड तक कहीं भी हो सकती है मास्टर डिज़ाइन सामान्य डिज़ाइनों की तुलना में लगभग पंद्रह परसेंट बेहतर थे हालांकि पन्द्रह परसेंट एक छोटे से अंतर की तरह लग रहा था यह मध्यवर्ती शहर में व्यापक रूप से प्रभावी होगा उदाहरण के लिए जब उस बोनस का उपयोग एनपीसी के बीच शहर की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किया गया था तो एक शहर जो मूल रूप से प्रत्येक दिन 100 लोकप्रियता अंक प्राप्त कर सकता था मास्टर डिजाइन के साथ 115 अंक प्राप्त करेगा आमतौर पर अतिरिक्त 15 अंक हासिल करने के लिए बहुत अधिक जनशक्ति और संसाधनों की आवश्यकता होती थी इसके अलावा मास्टर डिजाइन्स ने अधिक खोजों और घटनाओं को आकर्षित किया जो शहर की लोकप्रियता को बढ़ाएंगे जिससे शहर को और अधिक तेजी से अगली रैंक तक पहुंचने की अनुमति मिल जाएगी बेशक खिलाड़ी अपने खुद के टाउन डिज़ाइन बनाने का विकल्प चुन सकते हैं केवल अधिकांश खिलाड़ियों के डिज़ाइन एडवेंचरर्स एसोसिएशन के सामान्य टेम्पलेट्स के करीब नहीं आएंगे बहुत कम भाग्यशाली खिलाड़ी या जीनियस डिजाइनर उपलब्ध टेम्पलेट्स से बेहतर टाउन डिज़ाइन का मसौदा तैयार कर सकते हैं यदि कोई खिलाड़ी इस तरह का डिज़ाइन बनाता है तो गॉड्स डोमेन के विभिन्न बड़े संघ इसे खरीदने के लिए लड़ेंगे लगभग तीन हजार स्वर्ण की पेशकश करेंगे यदि डिजाइन मास्टर मानक तक पहुंच जाता है तो न्यूनतम मूल्य पांच हज़ार स्वर्ण होगा हालांकि बहुत कम खिलाड़ी ऐसे मानकों के डिजाइन बना सकते हैं ये लोग मास्टर फोर्जर्स से भी दुर्लभ थे लैंसलॉट ने जिन 28 वस्तुओं को गिराया था उनमें से 20 महाकाव्य सामग्री थीं शेष आठ में से तीन महाकाव्य हथियार और उपकरण के टुकड़े थे एक कपड़ा कवच हेडड्रेस एक कर्मचारी और प्लेट कवच की एक जोड़ी अथर्व की राय में ब्रेसर उनमें से सबसे अच्छे थे क्रोधित अत्याचारी लेट आर्मर एपिक रैंक स्तर चालीस स्तर एक उपकरण की आवश्यकता क्षमता एक रक्षा प्लस सात सौ पचपन स्तर चालीस शक्ति प्लस साठ चपलता प्लस बत्तीस सहन शक्ति प्लस पैंतीस स्तर प्लस पांच पर ध्यान न दें लक्ष्य की रक्षा के बीस परसेंट पर ध्यान न दें शक्ति के प्रभाव को पंद्रह परसेंट बढ़ाएं अतिरिक्त निष्क्रिय कौशल एक रक्त उन्माद जब वाइल्डर का एचपी पचास परसेंट से कम हो जाता है तो ताकत बीस परसेंट बढ़ जाती है हमले की गति तीस परसेंट बढ़ जाती है और क्षति बीस परसेंट बढ़ जाती है अतिरिक्त निष्क्रिय कौशल दो एंग्री ब्लो हमला करते समय ताकत को 100 परसेंट बढ़ाने का एक निश्चित मौका होता है ब्रेसर हिंसा का संग्रह थे शक्ति के प्रभाव में वृद्धि विशेष रूप से महाकाव्य हथियारों और उपकरणों पर भी दुर्लभ थी बिना किसी हिचकिचाहट के अथर्व ने अपने लिए ब्रेसेस ले लिए इसके साथ उनके पास कुल पांच महाकाव्य वस्तुएं और एक खंडित पौराणिक वस्तु थी लेवल 50 मैजिक लाइट सेट इक्विपमेंट को शामिल करने के बाद उसकी ताकत समान स्तर के टीयर दो बरसरकर से भी अधिक थी केवल उसकी काया और कौशल अभी भी कुछ हीन थे शेष पांच वस्तुओं के लिए दो टियर चार मैजिक स्क्रॉल थे दो डिजाइन थे और अंतिम टाउन प्रमोशन ऑर्डर था जब अथर्व को पता चला कि दो डिजाइनों में से एक टाउन डिजाइन है तो वह बहुत खुश हुआ था आमतौर पर क्षेत्र में गिराए गए टाउन डिजाइन मास्टर्स से आए थे यह पांच हजार सोने की बचत के बराबर था इसके अलावा अथर्व ने परिवहन पर इस टाउन डिजाइन के भारी जोर को बहुत पसंद किया परिवहन बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं हो सकता है लेकिन इसका काफ़ी विशेष नगर प्रभाव था एक बार शहर पूरा हो जाने के बाद जब तक शहर पर्याप्त मात्रा में पैसा खर्च करता है तब तक यह शहरों के बीच परिवहन गाड़ी को अनलॉक कर देगा न केवल ये गाड़ियां खिलाड़ियों को ले जा सकती थीं बल्कि वे एनपीसी व्यापारियों को शहर में और अधिक तेज़ी से पहुंचने की अनुमति भी दे सकते थे यह खिलाड़ियों और एनपीसी दोनों के बीच शहर की लोकप्रियता बढ़ाने में सक्षम डिज़ाइन था अब जब उन्होंने पुष्टि कर दी थी कि यह एक ग्रैंडमास्टर डिजाइन था तो अथर्व ने खिलाड़ियों के लिए पवित्र भूमि को महसूस किया ग्रैंडमास्टर डिजाइन सामान्य टेम्पलेट्स से तीस अधिक मजबूत था अतीत में यहां तक कि एक साधारण ग्रैंडमास्टर डिजाइन भी हजारों सोने के लिए बेच सकता था खेल के इस चरण में ये डिजाइन बहुत कम थे अभी अथर्व डिजाइन नहीं बेचेगा भले ही उसे 10 लाख सोने की पेशकश की गई हो जब अथर्व ने उन गाड़ियों के बारे में सोचा जो जल्द ही स्टोन फॉरेस्ट टाउन से आगे पीछे यात्रा करेंगी तो उसका दिल पागलों की तरह धड़क उठा खेल के इस चरण में माउंट अत्यंत दुर्लभ थे स्टोन फॉरेस्ट टाउन की यात्रा करते समय गाड़ियां खिलाड़ियों को बहुत समय बचा सकती हैं स्टोन फॉरेस्ट टाउन में रहने के लिए खिलाड़ी कहीं अधिक इच्छुक होंगे यहां तक कि जब माउंट भविष्य में लोकप्रिय हो गए तो एक कॉमन माउंट एक कैरिज के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता था इसके अलावा गाड़ियों की गति हमेशा एक समान नहीं होती थी एक बार स्टोन फॉरेस्ट टाउन एक उन्नत शहर बन जाने के बाद गाड़ियां उन्नत गाड़ियों में अपग्रेड हो जाएंगी केवल एक मिस्टीरियस आयरन माउंट के साथ ही कोई उन्नत गाड़ी की गति से मेल खा सकता है एक बार जब परिवहन एक बाधा नहीं रह गया था तो कौन सा खिलाड़ी स्टोन फॉरेस्ट टाउन का दौरा नहीं करना चाहेगा बैटल एरिना को अलग रखते हुए अब जब स्टोन फॉरेस्ट टाउन में तीन मैजिक टावर्स थे स्वतंत्र खिलाड़ी एक होटल में आराम करने का दोगुना लाभ उठा सकते थे अभी शहर के होटल गिल्ड निवास में निजी कमरों की तुलना में थोड़े ही कम प्रभावी थे आमतौर पर स्वतंत्र खिलाड़ी केवल इस आशय का सपना देख सकते थे इन तीन प्रमुख स्थितियों के साथ स्टोन फॉरेस्ट टाउन निस्संदेह खिलाड़ियों के लिए एक पवित्र भूमि बन जाएगा अथर्व के कमरे में थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद एनपीसी प्रशासक अपने टाउन डिजाइन के साथ कमरे में लौट आया लॉर्ड प्रोटेक्टर हमारे एसोसिएशन मास्टर ने आपके डिजाइन का मूल्यांकन किया है और पुष्टि की है कि यह ग्रैंड मास्टर डिजाइन है हालांकि इस ग्रैंड मास्टर डिजाइन की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं निर्माण शुल्क सामान्य से कई गुना अधिक महंगा होगा सभी आवश्यक सामग्रियों सहित इसकी कीमत तीस हजार स्वर्ण होगी इसके अलावा इस कीमत में छूट नहीं दी जा सकती क्या मैं जान सकता हूं कि क्या लॉर्ड प्रोटेक्टर अभी भी आपके शहर के निर्माण के लिए इस डिज़ाइन का उपयोग करना चाहता है तीस हजार सोना अथर्व ने मुंह फेर लिया उसने सोचा था कि कीमत काफी अधिक हो सकती है लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी अधिक होगी वह तीस हजार सोना था वह उस तरह के पैसे से एक मास्टर डिजाइन के साथ पांच शहरों का निर्माण कर सकता है प्रशासक की कीमत सुनकर अथर्व के सिर में दर्द होने लगा हकीकत में यह सस्ता माना जाता था खेल के इस चरण में एक इंटरमीडिएट टाउन को प्रकट नहीं होना चाहिए था अतीत में मुख्यधारा के खिलाड़ियों के साठ के स्तर तक पहुंचने के बाद ही पहला इंटरमीडिएट टाउन सामने आया था उस समय के दौरान टीयर दो विशेषज्ञ खिलाड़ी आम थे अभी हालांकि मुख्यधारा के खिलाड़ी चालीस के स्तर तक भी नहीं थे गिर्द मुख्यधारा के खिलाड़ी स्तर चालीस की तुलना में स्तर साठ पर कहीं अधिक तेजी से पैसा कमा सकते हैं जिसके बाद अथर्व ने अपना शहर बनाने का काम छोड़ दिया और वीआईपी कमरे से बाहर निकलने से पहले अपने ग्रैंडमास्टर टाउन डिज़ाइन को स्टोर कर लिया टाउन पुनर्निर्माण एक इंटरमीडिएट टाउन के लाभों में से केवल एक था जनता के लिए इसे फिर से खोलने के लिए शहर का पुनर्निर्माण आवश्यक नहीं था वर्तमान में अथर्व के पास सिक्कों की कमी थी इसलिए वह फ़िलहाल इस मामले को अलग रख सकते हैं किसी भी मामले में स्टोन फॉरेस्ट टाउन को पहले ही एक मध्यवर्ती शहर में सफलतापूर्वक पदोन्नत कर दिया गया था ग्रैंडमास्टर डिज़ाइन कहीं नहीं जा रहा था वह हमेशा की तरह स्टोन फॉरेस्ट टाउन का संचालन कर सकता था पैसा कमाने के कुछ और दिनों के बाद शहर का पुनर्निर्माण करने में देर नहीं होगी कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के दूसरे तल के लाउंज में युआन टाइक्सिन और पर्पल जेड दोनों चुपचाप लाउंज के अंदर बैठे थे अंकल युआन मुझे डर है कि हमें इस व्यापार को पूरा करने में परेशानी होगी किसी कारण से स्टोन फॉरेस्ट टाउन में इविल एनर्जी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है स्टोन फॉरेस्ट टाउन के ठीक होने से कुछ समय पहले की बात है जीरो विंग को हमारी परिस्थितियों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी पर्पल जेड ने सीक्रेट पवेलियन द्वारा भेजी गई जानकारी को पढ़ने के बाद कहा मुस्कुराते हुए उसने कहा ब्लैकवाटर हैवेंस बरियल और पैंथियन को बहुत नुकसान हुआ है न केवल वे स्टोन फॉरेस्ट टाउन प्राप्त करने में विफल रहे हैं बल्कि उन्होंने उन सभी सदस्यों को भी खो दिया है जिन्हें उन्होंने भेजा था गॉड्स डोमेन में शामिल होने के बाद से यह पहली बार है जब पैंथियॉन को इतना बड़ा नुकसान हुआ है उन्हें साफ करने के लिए निश्चित रूप से गड़बड़ी है आभासी गेमिंग दुनिया की महाशक्तियों के बीच संबंध उतने शांतिपूर्ण नहीं थे जितना कि सभी ने सोचा था यदि अवसर दिया गया तो ये शक्तियां अपने प्रतिद्वंद्वियों को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार होंगी आखिरकार हर खेल के संसाधन परिमित थे यदि उनके पास एक कम प्रतियोगी होता तो वे अपने लिए कहीं अधिक संसाधनों का दावा कर सकते थे विश्व देवालय ने इस युद्ध में एक तुरूप का इक्का सेना और दो मुख्य सेना खो दी थी यह कुल तीन हजार विशेषज्ञ थे यह किसी भी सुपर गिल्ड के लिए बड़ा झटका होगा ट्रंप कार्ड लीजन का नुकसान विशेष रूप से गंभीर था सुपर गिल्ड के ट्रंप कार्ड सेना में शामिल होने में सक्षम कोई भी खिलाड़ी कम से कम ट्रायल टावर की छठी मंजिल तक पहुंच सकता है प्रथम श्रेणी के गिल्ड में ऐसे विशेषज्ञ काफी दुर्लभ थे आम खिलाड़ियों की नजर में पांचवीं मंजिल तक पहुंचने वालों को पहले से ही विशेषज्ञ माना जाता था छठी मंजिल तो दूर की बात है जीरो विन वास्तव में अप्रत्याशित है युवान टाइकसिन ने अपना सिर हिलाया और हंसा कोई आश्चर्य नहीं कि वे ब्लैकवाटर के साथ आपसी विनाश से डरते नहीं हैं हालांकि यह किसी भी तरह से हमारी योजनाओं को प्रभावित नहीं करता है भले ही स्टोन फॉरेस्ट टाउन ठीक हो जाए इसमें काफी समय और संसाधन लगेंगे इस बीच कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती जीरो विंग के लिए तो यह और भी ज्यादा मायने रखता है उसने अपनी टोपी के माध्यम से बात नहीं की थी वर्तमान में ब्लैकवाटर और हेवनली ट्रेडिंग फर्म दोनों ही कैंडललाइट ट्रेडिंग फर्म पर दबाव बना रहे थे हालांकि मोमबत्ती की रोशनी अभी भी स्टारमोन किंगडम के बाजार में काफी प्रभाव रखती है और अपने दैनिक यातायात को बनाए रखती है यह कितने समय तक चलेगा ब्लैकवाटर और हेवनली ट्रेडिंग फर्म दोनों ही अपनी कीमतों को कम कर रही थीं और अपनी वस्तुओं को घाटे में बेच रही थीं वे अपने प्रचुर धन और शक्तिशाली कनेक्शनों के कारण इसे काफी समय तक बनाए रख सकते थे हालांकि कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के बारे में क्या कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के पास न तो प्रचुर धन था और न ही शक्तिशाली कनेक्शन इसकी एकमात्र राजधानी स्टोन फॉरेस्ट टाउन थी ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कैंडल लाइट ब्लैकवाटर और हेवनली ट्रेडिंग फर्मों के खिलाफ मूल्य युद्ध जीत सके इसके अलावा पर्याप्त सिक्कों के बिना जीरो विंग का विकास जारी नहीं रह सकता अब जब जीरो विंग सुर्खियों में था तो गिड़ के लिए अपने और ब्लैकवाटर के बीच की खाई को विकसित करने और चौड़ा करने का यह सही मौका था यदि ब्लैकवाटर के ठीक होने के बाद भी जीरो विंग ने अपना विकास जारी रखा तो गिड बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा यदि ब्लैकवाटर ने ज़ीरो विंग के खिलाफ फिर से कार्रवाई करने का फ़ैसला किया तो यह अधिक सावधानी बरतेगा और इस युद्ध में होने वाले गार्ड को नहीं पकड़ा जाएगा इसके अलावा जीरो विंग का वर्तमान में कांस्य माउंट और सुदृढ़ीकरण उपकरणों को सौंपने के लिए गुप्त मंडप के साथ एक समझौता था ये वस्तुएं काफ़ी महंगी थीं उन्हें प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा यदि जीरो विंग अधिक सिक्के अर्जित करना चाहता है तो गुप्त मंडप के साथ काम करना निस्संदेह सबसे अच्छा निर्णय था जिस तरह युआन टाइक्सिन और पर्पल जेड चुपचाप जीरो विंग की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे अथर्व जो वर्तमान में ब्लैक फ्लेम के रूप में प्रच्छन्न था ने लाउंज में प्रवेश किया कितना शक्तिशाली मानसिक उत्पीड़न है युआन टाइक्सिन जब अथर्व पर नजरें गड़ाए तो चौंक गई स्क्रीन पर अथर्व को देखने की तुलना में उस आदमी से व्यक्तिगत रूप से मिलना बहुत अलग था यद्यपि अथर्व ने अपने हथियारों और उपकरणों की चमक के प्रभाव को छिपा लिया था और अपनी आभा को ढक लिया था युआन टाइक्सिन ने अपने प्रचुर अनुभव के साथ अथर्व से आने वाले खतरनाक वातावरण को तुरंत भांप लिया यह तलवार तलवारबाज पानी में दुबके हुए अजगर की तरह महसूस करता था छह महाकाव्य आइटम करीब से निरीक्षण करने पर युवा टाइक्सिन के होंठ अनजाने में फड़कने लगे गॉड्स डोमेन में महाकाव्य वस्तुओं और डार्क गोल्ड वस्तुओं के बीच का अंतर उनके आभा प्रभाव तक सीमित नहीं था इनके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री में भी भारी अंतर था यहां तक कि अगर अथर्व ने अपनी वस्तुओं के चमक प्रभाव को छिपाने की कोशिश की तो सामग्री से परिचित खिलाड़ी आसानी से वस्तुओं की गुणवत्ता को पहचान सकते थे युअन टाइक्सिन ने दूसरों की ताकत को मापने के लिए भगवान के डोमेन में उपलब्ध विभिन्न सामग्रियों पर शोध किया था आख़िरकार ऐसे बहुत से विशेषज्ञ थे जो भगवान के डोमेन में लो प्रोफाइल रखना पसंद करते थे यदि वह जानता था कि उपकरण की गुणवत्ता का निर्धारण कैसे किया जाता है तो क्या वह एक स्वतंत्र विशेषज्ञ के सामने आता है वह उन्हें गुप्त मंडप में भर्ती करने में सक्षम हो सकता है जहां तक उसके शत्रुओं की बात है वह इस ज्ञान का उपयोग उनकी ताकत को मापने और उचित प्रतिक्रिया देने के लिए कर सकता था अंकल युआन क्या आप निश्चित हैं युआन टाइक्सिन के शब्दों को सुनकर पर्पल जेड को थोड़ा संदेह हुआ यहां तक कि उनके गिर्ड लीडर के पास भी छह महाकाव्य आइटम नहीं थे अधिक से अधिक उसके पास लगभग तीन महाकाव्य वस्तुएं बहुत दुर्लभ थीं यहां तक कि ग्रैंड लॉर्ड्स ने भी शायद ही कभी उन्हें गिराया हो इसलिए अब भी उसके पास केवल दो महाकाव्य वस्तुएं थीं फिर भी गिल्ड के कई ऊपरी सोपानक उससे अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्या करते थे दो महाकाव्य वस्तुओं में से एक हथियार था जबकि दूसरा जूते की एक जोड़ी थी उसने ये जूते एक आकस्मिक मुठभेड़ के दौरान प्राप्त किए थे हालांकि उस मुठभेड़ ने उसे एक स्तर और बहुत सारे प्रयास खर्च किए थे हथियार के रूप में गिर्ड ने उसे गिर्ड के शीर्ष प्रतिभा के रूप में उसकी स्थिति के कारण दिया था कोल्ड ऑटम जैसी प्रतिभा को भी कोई एपिक आइटम नहीं मिला था लेकिन अथर्व के पास छह महाकाव्य थे कोई भी इस मामले पर सवाल उठाएगा क्या आपको इस बूढ़े आदमी के फैसले पर शक है युवान टाइक्सिन पर्पल जेड पर अपनी नजरें घुमाए बिना नहीं रह सका हालांकि वह क्षमता के मामले में छोटी लड़की के लिए कोई मुकाबला नहीं था लेकिन जब आइटम की गुणवत्ता को देखते हुए वह गिड में शीर्ष पांच में स्थान बना सकता था छह महाकाव्य आइटम क्या यह ब्लैक फ्लेन की ताकत का रहस्य है जैसे ही पर्पल जेड ने अथर्व को चुपचाप आते हुए देखा उस आदमी को लड़ाई के लिए चुनौती देने की उसकी इच्छा तुरंत बुझ गई महाकाव्य वस्तुओं का उपयोग करने वाले ही उनकी ताकत को जानते थे यदि दो लड़ाकों के पास मोटे तौर पर युद्ध के मानक समान होते हैं तो छह एपिक आइटम वाला केवल दो के साथ एक को रौंद देगा इसके अलावा उसके मानक अथर्व की तुलना में कमजोर थे अभी उसे चुनौती देकर वह केवल पिटाई के लिए कहेगी अथर्व के अपनी सीट लेने के बाद और युन टाइक्सिन के बोलने से पहले उन्हें अपने गिड से एक संदेश मिला स्टोन फॉरेस्ट टाउन को एक इंटरमीडिएट टाउन में पदोन्नत किया गया है संदेश पढ़ने के बाद युआन टाइक्सिन अचंभे में पड़ गया एक मध्यवर्ती शहर हालांकि गुप मंडप ने कई कस्बों पर कब्ज़ा कर लिया था फिर भी वे सभी मध्यवर्ती शहर बनने से बहुत दूर थे अंकल युआन क्या हुआ पर्पल जेड ने उत्सुकता से पूछा जब उसने अथर्व के आने के बावजूद युआन टाइक्सिन को लंबे समय तक खामोश देखा युआन टाइक्सिन ने अंत में प्रतिक्रिया व्यक्त की अथर्व को एक हैरान नजर से देखा जब उसने सोचा कि उसने जीरो विंग के सभी रहस्यों को उजागर कर दिया है तो उसे लगा जैसे वह एक बार फिर गिल्ड के बारे में कुछ नहीं जानता क्या जीरो विंग में वास्तव में एक पृष्ठभूमि का अभाव था जैसा उसने सोचा था युआन टाइक्सिन ने पर्पल जेड़ के सवाल का जवाब नहीं दिया इसके बजाय उन्होंने अथर्व को देखकर मुस्कुराया और कहा गिड लीडर ब्लैक फ्लेम मुझे वास्तव में आपको बधाई देनी चाहिए आपने न केवल ब्लैक वाटर को हराया बल्कि आपने स्टोन फॉरेस्ट टाउन को इंटरमीडिएट टाउन में भी बढ़ावा दिया हालांकि युआन टाइक्सिन मुस्राए लेकिन अंदर से वो बेहद निराश थे अब जब जीरो विंग ने एक इंटरमीडिएट टाउन पर शासन किया तो उसके पास गिड पर अधिक महत्व देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था एक मध्यवर्ती शहर ने बुनियादी शहर की तुलना में कहीं अधिक भूमि पर कब्ज़ा कर लिया इसमें और भी विशेषताएं थीं अगर कोई स्टोन फॉरेस्ट टाउन को सोने का पहाड़ कहता है जब वह बेसिक टाउन था तो इंटरमीडिएट टाउन के रूप में यह हीरे का पहाड़ था स्टोन फॉरेस्ट टाउन की स्टोनक्लाफ पर्वत से निकटता को अलग करते हुए इसका बैटल एरिना अकेले जीरो विंग को भाग्य बना सकता है इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां कस्बे में अपनी स्वयं की आभासी दुकानें खोलना चाहेंगी पहले स्टोन फॉरेस्ट टाउन चार या पांच बेसिक टाउन जितना ही मूल्यवान था शहर ने कई कंपनियों को आकर्षित किया दुर्भाग्य से जीरो विंग की मांग की कीमत बहुत अधिक थी जिससे इनमें से कई कंपनियां शर्माने लगीं हालांकि अब जब स्टोन फॉरेस्ट टाउन एक इंटरमीडिएट टाउन बन गया था तो एक मूर्ख भी इसका मूल्य देख सकता था सबसे अधिक संभावना है जीरो विंग की पिछली शर्तें अब कंपनियों के निवेश को नहीं रोकेंगी लागत की परवाह किए बिना टन कंपनियां निश्चित रूप से शहर में निवेश करने को तैयार होंगी अभी जीरो विंग में सिक्के क्रेडिट या खिलाड़ियों की कमी नहीं थी इसने अपनी प्रतिष्ठा भी अर्जित की थी इस बिंदु पर जीरो विंग का भविष्य असीम था जीरो विंग की पेशकश करने के लिए उन्होंने जिन शर्तों को तैयार किया था वे अब गिल्ड के लिए बहुत कम रुचि की होंगी धन्यवाद अथर्व ने विनम्रता से उत्तर दिया वह फिर मुस्कुराया और जारी रखा यदि आप मैजिक टावर डिजाइन खरीदने आए हैं तो मुझे यह कहते हुए खेद है कि जीरो विंग का इसे बेचने का कोई इरादा नहीं है गिल्ड लीडर ब्लैक फ्लेम आप मजाक करते हैं सीक्रेट पवेलियन ने डिजाइन खरीदने का काम पहले ही छोड़ दिया है इसके बजाय हमारे लिए एक मैजिक टावर के निर्माण के बदले में हम आपको पांच प्रमुख शहरों में उच्च क्षमता वाली भूमि की पेशकश करना चाहते हैं जिनमें से प्रत्येक में लाखों खिलाड़ी हैं इसके बारे में क्या ख्याल है युवान टाइक्सिन ने पूछा स्थिति को कुछ सोचने के बाद मैजिक टावर डिजाइन प्राप्त करने की कोशिश करने के बजाय वह अगली सबसे अच्छी चीज का चुनाव करेगा हालांकि जब पर्पल जेड ने यह सुना तो वह चौंक गई बड़े शहरों की उच्च क्षमता वाली भूमि वास्तव में कितनी मूल्यवान थी विभिन्न बड़े गिल्डों ने पहले ही इन जमीनों को खरीद लिया था उन्हें उचित मूल्य पर खरीदना असंभव था फिर भी युवान टाइक्सिन ने एक मैजिक टावर के लिए सिर्फ पांच भूमि की पेशकश की थी आपका प्रस्ताव काफी आकर्षक है हालांकि मुझे मना करना होगा अथर्व ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया जमीन के ये पांच भूखंड इस समय कुल मिलाकर तीस या चालीस हज़ार सोने के बराबर थे इसके अलावा समय बीतने के साथ निस्संदेह उनका मूल्य बढ़ जाएगा यहां तक कि अगर उसने इन जमीनों को खुद इस्तेमाल करने के बजाय उन्हें किराए पर दे दिया तो भी वह मोटी रकम कमा सकता था हालांकि उनके मैजिक टावर डिजाइन के केवल दो उपयोग बचे थे उनमें से एक को उन्होंने टाउन ऑफ बिगिनिंग्स के लिए आरक्षित करने पर सहमति व्यक्त की थी यहां तक कि अगर वह पांच उच्च क्षमता वाली भूमि के लिए शेष मैजिक टावर का व्यापार करता है तो व्यापार से कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म को अधिक लाभ नहीं होगा अथर्व की सीधी अस्वीकृति ने युवान टाइक्सिन और पर्पल जेड दोनों को चौंका दिया भूमि के इन पांच भूखंडों को प्राप्त करना अतिरिक्त पांच मिलियन ग्राहकों को प्राप्त करने के बराबर था यहां तक कि एक सुपर गिल्ड का गिल्ड लीडर भी इस तरह के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए रुक जाएगा फिर भी अथर्व ने बिना पलक झपकाए इसे अस्वीकार कर दिया था पर्पल जेड़ को यह भी आश्चर्य होने लगा कि क्या अथर्व वास्तव में इन भूमियों के मूल्य को समझता है अन्यथा वह इस प्रस्ताव को इतने निर्णायक रूप से क्यों मना करेगा क्या मैं जान सकता हूं कि गिल्ड लीडर ब्लैक फ्लेम एक टावर के लिए कितना चाहता है युवान टाइक्सिन ने दांत पीसते हुए पूछा मैजिक टावर प्राप्त करने के लिए गुप्त मंडप निर्धारित किया गया था गिल्ड लीडर ने अपनी बातचीत में इसे विशेष रूप से दोहराया था मुझे इन शहरों में जमीन चाहिए कुल बीस स्थान हैं मेरा मानना है कि गुप्त मंडप उन्हें प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए अथर्व ने फिर कई छोटे एनपीसी शहरों की सूची का खुलासा किया इनमें से अधिकांश शहरों की आबादी एक लाख से कम थी कुछ की तीस हजार से भी कम थी ये शहर ग्यारह राज्यों और दो साम्राज्यों को कवर करते हुए फैले हुए थे यह जब युवान टाइगसिन ने सुना कि अथर्व को बीस भूखंड चाहिए तो उसने उस आदमी को लगभग कोसा हालांकि जब उन्होंने सूची पढ़ी और देखा कि सभी नाम छोटे शहरों के हैं तो वे दंग रह गए भले ही उन्होंने सभी शहरों की खिलाड़ी आबादी को जोड़ा हो कुल मिलाकर 20 लाख से कम था इसके अलावा इन स्थानों की भूमि में अधिक क्षमता नहीं थी वह समझ नहीं पा रहा था कि अथर्व के दिमाग में क्या चल रहा है हालांकि सीक्रेट पवेलियन के लिए यह अच्छी खबर थी गिल्ड लीडर ब्लैक फ्लेम क्या यह सब आप चाहते हैं युवान टाइक्सिन ने पूछा उन्हें शक था कि अथर्व इतना उदार है बिल्कुल नहीं मुझे अभी भी बीस शुने 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 स्वर्ण निर्माण शुल्क चाहिए युवान टाइक्सिन के संदेह को देखते हुए अथर्व के पास अधिक उचित मूल्य बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था सच कहूं तो उसकी कीमत काफी ज्यादा थी यहां तक कि अथर्व को भी लगा कि वह गुप्त मंडप को चीर रहा है हालांकि जमीन के ये बीस भूखंड विशेष रूप से महंगे नहीं थे लेकिन उन्होंने एक महान उद्देश्य पूरा किया हालांकि भले ही वह इन जमीनों को खुद खरीदना चाहता हो लेकिन वह नहीं कर सका अन्य बड़े और छोटे संघों ने पहले ही उन पर कब्जा कर लिया था यदि गुप्त मंडप जैसे अस्तित्व ने कार्रवाई की तो ये संघ उचित मूल्य पर भूमि के साथ भाग लेंगे अतीत में भूमि के इन शहरों को स्वर्ण नगर के रूप में जाना जाता था डायमंड वुड प्रदान करने वाले उच्च स्तरीय नक्शों से निकटता के कारण इन शहरों ने यह नाम अर्जित किया था डायमंड वुड गॉड्स डोमेन में एक दुर्लभ प्रकार की लकड़ी थी यह विशेष रूप से उच्च श्रेणी की नावों का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता था भले ही डायमंड वुड का उपयोग एक सामान्य स्पीडबोट बनाने के लिए किया गया हो उस नाव के मानक लगभग कांस्य स्पीडबोट के समान स्तर पर होंगे इसलिए डायमंड वुड विभिन्न बड़े संघों और नाविक साहसी टीमों के बीच अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय था दुर्भाग्य से डायमंड वुड अत्यंत दुर्लभ था कई राज्यों और साम्राज्यों में मानचित्रों की कमी थी जो लकड़ी प्रदान करते थे जिसमें स्टारमून किंगडम भी शामिल था अब जब उनका अपना मीडियम शिपयार्ड था तो उन्हें तैयारी करनी थी पूर्व में उन्हें यह अवसर नहीं मिला था अब जब मौका उसके सामने था तो वह कैसे चूक सकता था इन शहरों में भूमि अपने पिछले जीवन के दौरान खगोलीय कीमतों के लिए बेची गई थी उस समय जमीन के एक भूखंड को खरीदने के लिए न्यूनतम पचास हज़ार सोना न्यूनतम हुआ करता था सामान्य सामग्रियों के विपरीत खिलाड़ी अपने बैग स्थान में नावों को बनाने के लिए लकड़ी को स्टोर नहीं कर सकते थे बल्कि खिलाड़ियों को लकड़ी को उसके पूर्ण आकार में ले जाना था इसके अलावा यहां तक कि जब लकड़ी एक एनपीसी शहर या शहर में पहुंचती थी तब भी लकड़ी को उसके अंतिम गंतव्य तक ले जाने में काफी परेशानी होती थी बेशक खिलाड़ी लकड़ी के परिवहन के लिए टेलीपोर्टेशन सरणियों का उपयोग कर सकते हैं केवल एक लॉग को टेलीपोर्ट करने की कीमत एक खिलाड़ी को टेलीपोर्ट करने से कहीं अधिक थी अतीत में सबसे आम परिवहन पद्धति परिवहन गाड़ियां थीं हालांकि प्रत्येक यात्रा में एक लट्ठे का परिवहन करना मूर्खता होगी इसलिए खिलाड़ी आमतौर पर लकड़ी को एक बार में ढोने से पहले जमा कर लेते थे हालांकि एनपीसी कस्बों और शहरों ने खिलाड़ियों को सड़कों पर वस्तुओं के ढेर छोड़ने की अनुमति नहीं दी अगर कोई ऐसा करने की हिम्मत करता है तो उसका सामान तुरंत जब्त कर लिया जाएगा इस वजह से विभिन्न बड़े संघों को सामग्रियों को स्टोर करने के लिए गोदामों की आवश्यकता थी सीधे शब्दों में कहें तो गिल्ड्स ने अतीत में अपने हीरे की लकड़ी के गोदामों को खरीदने के लिए पचास हजार सोना खर्च किया था एक अतिरिक्त बीस हजार सोना एक पल के लिए युआन टाइक्सिन गहरी सोच में पड़ गया अच्छा हालांकि एक बार जब हम भुगतान कर देते हैं तो आपको तुरंत मैजिक टावर का निर्माण शुरू करना होगा हालांकि छोटे शहरों की भूमि के 20 भूखंड और बीस हजार सोना प्रमुख शहरों में पांच उच्च संभावित भूमि की तुलना में थोड़ा अधिक महंगा था बाद के मूल्य में बढ़ने के लिए कहीं अधिक जगह थी वह ठीक है जब भूमि के उन 20 भूखंडों और बीस हजार सोने के लिए काम आ जाएगा तो हम टावर का निर्माण शुरू कर देंगे अथर्व को उम्मीद नहीं थी कि युवान टैक्सिन इतनी जल्दी उसकी मांगों पर राज़ी हो जाएगी हालांकि उन जमीनों को प्राप्त करना एक सुपर सुपरग्रिड के लिए एक आसान काम था लेकिन बीस हजार सोना इकट्ठा करना नहीं था युआन टाइक्सिन की इतनी आसानी से सहमत होने की क्षमता ने दिखाया कि बीस हजार गोल्ड अभी सीक्रेट पवेलियन के लिए कुछ भी नहीं था इससे अथर्व को कुछ पछतावा हुआ अगर उसे पता होता तो वह तीस हजार सोना मांगता आखिरकार गिल्ड निस्संदेह बीस हजार से अधिक सोने को एक शहर की सुरक्षा में निवेश करेगा एक रक्षा बुर्ज की कीमत पहले से ही सात हजार गोल्ड है मोटे तौर पर एक मैजिक टावर के निर्माण की समान कीमत अगर इसे मास्टर लाइफस्टाइल प्लेयर द्वारा बनाया गया हो इस बीच एक शहर की पर्याप्त रूप से रक्षा करने के लिए एक गिल्ड को कम से कम चार रक्षा बुर्ज की आवश्यकता होगी दुर्भाग्य से चार रक्षा बुर्ज एक जादू टॉवर के रूप में सक्षम नहीं थे जिसके बाद अथर्व और युवान ताइक ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें कहा गया कि सीक्रेट पवेलियन दो दिनों के भीतर सौदे का अपना हिस्सा पूरा कर लेगा उस समय जीरो विंग को दो दिनों के भीतर आइस क्रिस्टल टाउन में एक मैजिक टावर बनाने की आवश्यकता होगी आइस क्रिस्टल टाउन का नाम देखते ही अथर्व हैरान रह गए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि गुप्त मंडप शहर पर कब्जा कर लेगा आइस क्रिस्टल टाउन फायर विंग साम्राज्य के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक सीमावर्ती शहर था शहर मूल रूप से एक अंधेरे बल से संबंधित था और शहर के अधिकांश एनपीसीज टीयर दो थे शहर के प्रभारी कई टीयर तीन एनपीसीज भी थे यहां तक कि फायर विंग एम्पायर को भी शहर के खिलाफ कार्रवाई पर सावधानी से विचार करना पड़ा हालांकि यह शहर ठीक यही कारण था कि फायर विंग साम्राज्य ने क्षेत्र में अंधेरे बलों को बेदखल करने का काम छोड़ दिया था कोई सोच सकता है कि खिलाड़ियों के लिए शहर में धावा बोलना कितना मुश्किल होगा हालांकि आइस क्रिस्टल टाउन साधारण दिखाई देता था यह तटस्थ मानचित्र सनसेट माउंटेन रेंज का निकटतम शहर था एक तटस्थ मानचित्र के रूप में सनसेट माउंटेन रेंज किसी भी साम्राज्य या साम्राज्य के प्रभाव में नहीं आती थी नक्शा भी लगभग एक राज्य के आकार का आधा था जैसा कि किसी राज्य या साम्राज्य ने कभी नक्शा विकसित नहीं किया था उसके पास विभिन्न राज्यों और साम्राज्यों की तुलना में कहीं अधिक संसाधन थे इसके अलावा उस नक्शे में कई नस्लें रहती थीं कई प्रतिबंधों के बिना जो आमतौर पर राज्यों और साम्राज्यों में पाए जाते थे कई अंधेरे बल अक्सर मानचित्र में संचालित होते थे खिलाड़ियों को वहां ऐसी चीजें भी मिल सकती थीं जो राज्यों और साम्राज्यों में उपलब्ध नहीं थीं अफसोस की बात है कि खिलाड़ी वहां टेलीपोर्ट नहीं कर सके वे केवल अपनी शक्ति से मानचित्र तक यात्रा कर सकते थे यदि कोई इसे प्राप्त कर सकता है तो खिलाड़ियों के बीच आइस क्रिस्टल टाउन की लोकप्रियता निस्संदेह स्टोन फॉरेस्ट टाउन को पार कर जाएगी गिल्ड के लिए सनसेट माउंटेन रेंज को पाइनियरिंग करना काफी सुविधाजनक होगा गुप्त मंडप की अपेक्षा के अनुरूप यह वास्तव में आइस क्रिस्टल टाउन को खेल में इतनी जल्दी सुरक्षित करने में कामयाब रहा अथर्व काफी ईर्ष्यालु था फायर विंग एम्पायर की खिलाड़ी आबादी स्टारमोन किंगडम से कई गुना अधिक हो गई खिलाड़ियों के लिए स्टोन फॉरेस्ट टाउन का एकमात्र आकर्षण स्टोनक्लाफ पर्वत था हालांकि क्षेत्रीय कालकोठरी में स्तर पचास की सीमा थी एक बार मुख्य धारा के खिलाड़ी उस सीमा को पार कर गए तो शहर अपनी अपील खो देगा दूसरी ओर सनसेट माउंटेन रेंज की सीमा पचास और एक सौ बीस के स्तर के बीच थी आइस क्रिस्टल टाउन लंबे समय तक फायर विंग साम्राज्य में लोकप्रिय रहेगा यदि कस्बे में एक मैजिक टावर बनाया जाता है तो यह स्टोन फॉरेस्ट टाउन की तुलना में तीन से पांच गुना अधिक खिलाड़ियों को आसानी से आकर्षित कर सकता है हालांकि अथर्व ने इस मामले को थोड़ा सोचा जीरो विंग सही रास्ते पर आने ही वाला था यह संभवतः गुप्त मंडप जैसे सुस्थापित गिल्ड के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है इसके अलावा उसने इस लेनदेन के माध्यम से एक भाग्य अर्जित किया था केवल वह लाभ तुरंत नहीं देख पाएगा एक बार जब उनका शिपयार्ड आधिकारिक रूप से व्यवसाय के लिए खुल गया तो भूमि के वे बीस भूखंड अपना सही मूल्य दिखाना शुरू कर देंगे उन छोटे शहरों के पास के उच्चस्तरीय मानचित्रों को अभी विकसित किया जाना था दुर्लभ लकड़ी से नाव बनाने का लाभ अभी तक किसी ने नहीं देखा था डायमंड वुड को थोक में खरीदने का यह सही समय था एक बार जब उसने पर्याप्त जीवन शैली के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर लिया तो उसने बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली नौकाओं के लिए पर्याप्त हीरे की लकड़ी एकत्र कर ली होगी जिसके बाद अथर्व ने युवान टाइक्सिन और पर्पल जेड को विदाई दी व्हाइट रिवर सिटी का टेलीपोर्टेशन हॉल व्हाइट रिवर सिटी में टेलीपोर्ट किए गए स्वतंत्र खिलाड़ियों की एक निरंतर धारा उनमें से कई तुरंत जीरो विंग के निवास के बारे में पूछताछ करने के लिए निकल पड़े वे सभी लोकप्रिय गिड में शामिल होने की इच्छा रखते थे बिग रेन क्या यह वास्तव में व्हाइट रिवर्सिटी है ब्लू फीनिक्स जिसने काला लबादा पहना था ने अपने आसपास का अवलोकन करते हुए पूछा संभ्रांत खिलाड़ी पूरे टेलीपोर्टेशन हॉल में घूमते रहे कई बड़ी मंडलियों के सदस्य भी थे इनमें लेवल उनतालीस और लेवल चालीस के विशेषज्ञों की कमी नहीं थी इस बीच टेलीपोर्टेशन हॉल के बाहर कई खिलाड़ियों ने अपना सामान बेच दिया और उनका सामान उतना ही आश्चर्यजनक था लेवल पैंतीस सीक्रेट सिल्वर प्लेट आर्मर चेस्ट पीस बेचना अगर दिलचस्पी है तो मुझे एक निजी चैट के लिए खोजें एक स्तर चालीस लॉ हथियार बेचना भुगतान के रूप में केवल मैजिक क्रिस्टल स्वीकार किए जाते हैं खिलाड़ियों को सड़क पर हथियार और उपकरण बेचते देख ब्लूफिनिक्स ने सोचा कि क्या उन्होंने गलत जगह पर टेलीपोर्ट किया था खेल के इस चरण में लेवल 35 सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट और लेवल 40 मिस्टीरियस आयरन वेपन्स दोनों को उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु माना जाता था साम्राज्यों में भी बहुत कम खिलाड़ी स्वेच्छा से उन्हें बेचते थे फिर भी इतने सारे खिलाड़ियों ने व्हाइट सिटी में ऐसा ही किया यह अकल्पनीय था इस बीच मौजूद विभिन्न साहसी दल सबसे चौंकाने वाले थे कई एडवेंचरर टीमों ने सदस्यों को ट्विन टावर्स किंगडम में जाने के लिए भर्ती किया इन टीमों में शामिल होने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं स्तर उनतालीस और स्तर पैंतीस गुप्तरजत उपकरण का एक पूर्ण सेट होना था आवेदकों को ट्रायल टावर की चौथी मंजिल तक पहुंचने में भी सक्षम होना था इन मानदंडों को पूरा करने वाले खिलाड़ियों को एक बड़े गिड में विशेषज्ञ माना जाएगा फीनिक्स रेन भी कुछ हैरान थी यहां तक कि स्टारमून सिटी में भी उसने इतना व्यस्त दृश्य नहीं देखा था यह पहली बार था जब उसने किसी राज्य के प्रमुख शहरों में से एक को राजधानी से आगे निकलते हुए सुनाया देखा था टेलीपोर्टेशन हॉल छोड़ने के बाद फीनिक्स रेन ने बड़ी संख्या में उन्नत गाड़ियों को सड़कों पर चलते हुए देखा इतने सारे खिलाड़ियों के अपने स्वयं के लिए लड़ने के कारण एक गाड़ी चलाना आसान नहीं था युआन टाइक्सिन यहां क्यों है जिस तरह फीनिक्स रेन एक उन्नत गाड़ी में चढ़ने और कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की ओर जाने वाली थी उसने टेलीपोर्टेशन हॉल के प्रवेश द्वार से पहले दो खिलाड़ियों को माउंट पर रोक दिया पुरुष और महिला दोनों ने काले रंग का लहंगा पहना था हालांकि लबादों ने दूसरों को उनकी आईडी और स्तर देखने से रोका क्योंकि दोनों ने अपनी उपस्थिति नहीं छिपाई जो उन्हें जानते थे वे उन्हें आसानी से पहचान सकते थे यह फीनिक्स रेन के लिए विशेष रूप से सच था जब फीनिक्स रेन ने युआन टाइक्सिन को इतनी जल्दी में टेलीपोर्टेशन हॉल में प्रवेश करते देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई युआन टाइक्सिन गुप्त मंडप के ऊपरी क्षेत्रों में से एक था यहां तक कि वह गिल्ड लीडर के सबसे करीबी विश्वासपात्रों में से एक थे बहुत कम मामलों में उनकी व्यक्तिगत यात्रा की आवश्यकता होती है यूहन टाइक्सिन का ध्यान जीरो विंग की ओर आकर्षित करने का एकमात्र कारण वह सोच सकती थी जीरो विंग के कितने रहस्य हैं फीनिक्स रेन मदद नहीं कर सका लेकिन एक कड़वी मुस्कान प्रकट करता है जिसके बाद फीनिक्स रेन ने इस विचार को दूर कर दिया और कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के लिए अपना रास्ता बना लिया यूहन टाइक्सिन के जाने के कुछ समय बाद अथर्व ने मेलांचोलिक स्माइल को मिलने के लिए बुलाया लैंडस्लॉट ने जिन दो डिजाइनों को छोड़ा था उनमें से एक टाउन डिजाइन था जबकि दूसरा ट्रांसपोर्ट कैरिज डिजाइन के लिए था कैंडल लाइट के विशेष फोर्जिंग रूम में से एक के अंदर बीस से अधिक उन्नत फोर्जर्स और इंजीनियर खड़े थे अथर्व के बुलावे पर आए थे एडवांस लाइफस्टाइल के ये खिलाड़ी उन्नत जीवन शैली के खिलाड़ियों के रूप में वे अत्यधिक मूल्यवान थे और किसी भी गिल्ड में उच्च स्थिति रखते थे हालांकि जब इन बीस से अधिक उन्नत लाइफस्टाइल खिलाड़ियों ने कमरे में प्रवेश किया तो वे सभी चुप हो गए पूरी तरह से मेज पर फैले प्राचीन डिजाइन पर ध्यान केंद्रित किया गिल्ड लीडर यह है उदास मुस्कान ने अपनी आंखों को रगड़ा उसने जो देखा उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई उन्नत परिवहन कैरिज साधारण खिलाड़ियों के पास इस मद के लिए ज्यादा उपयोग नहीं हो सकता है लेकिन एक व्यापारिक फर्म के प्रबंधक के लिए यह अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था उसके लिए उन्नत परिवहन गाड़ी का मूल्य कांस्य इंजीनियरिंग लोकोमोटिव से कहीं अधिक था एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट कैरिज न केवल खिलाड़ियों के एक बड़े समूह को ट्रांसपोर्ट कर सकता था बल्कि एनपीसी द्वारा बेचे जाने वाले साधारण कैरिज की तुलना में अधिक माल भी ट्रांसपोर्ट कर सकता था भगवान के डोमेन में कई महत्वपूर्ण वस्तुओं को एक खिलाड़ी के बैग स्थान में संग्रहित नहीं किया जा सका खिलाड़ियों को इस तरह का सामान खुद ही ले जाना पड़ता था बेचे गए या किराए पर दिए गए एनपीसी के कैरेज केवल कुछ खिलाड़ियों का समर्थन कर सकते हैं यहां तक कि एक कांस्य गाड़ी भी एक समय में केवल पांच लोगों को ही ले जा सकती थी और जबकि एक कांस्य कैरेज अपने बैग स्थान में बहुत सारी चीज़ें ले जा सकता था यह केवल अधिकतम दस आइटम ही ले जा सकता था जिसे बैग स्थान में संग्रहित नहीं किया जा सकता था सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गाड़ियां केवल आधिकारिक व्यापार मार्गों पर ही यात्रा कर सकती थीं जो उनके उपयोग को बहुत सीमित कर देती थी हालांकि परिवहन कैरेज अलग थे प्लेयर क्राफ्टेड आइटम के रूप में उनके पास कई सड़क प्रतिबंध नहीं थे बेसिक ट्रांसपोर्ट कैरेज में पहले से ही दस खिलाड़ी हो सकते हैं इसके अलावा इसका बैक स्पेस एनपीसी ब्रॉन्ज कैरेज से बड़ा था और यह तीस नॉन बैग आइटम तक ले जा सकता था यह तेज भी था आमतौर पर गैरबैग आइटम बहुत मूल्यवान थे चाहे आइटम एनपीसी के लिए हो या अन्य खिलाड़ियों को कहीं और बेचने के लिए ऐसे सामान की डिलीवरी करना मुनाफा कमाने का सबसे आसान तरीका था मर्चेंट प्लेयर्स बेसिक ट्रांसपोर्ट कैरिज के लिए भी लड़ेंगे अगर वे बाजार में उपलब्ध थे उन्नत ट्रांसपोर्ट कैरिज तो बहुत कम उन्नत परिवहन कैरिज बीस लोगों तक ले जा सकता है कहने की जरूरत नहीं है इसके बैग का स्थान कांस्य कैरिज की तुलना में कई गुना बड़ा था यह साठ गैर बैग आइटम भी ले जा सकता है जहां तक इसकी गति की बात है तो यह मिस्टीरियस आयरन माउंट्स का मुकाबला कर सकता है यदि कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म उन्नत परिवहन कैरिज का उपयोग कर सकती है भले ही वे उत्पाद नहीं बेचते हैं और रसद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे एक भाग्य बना सकते हैं इसलिए मेलांचोलिक स्माइल में उसकी उत्तेजना कैसे हो सकती है आपने अपने लिए डिजाइन देखा है मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें जल्दी से बनाना शुरू कर देंगे जहां तक मुख्य सामग्री की बात है मैं आपको जो चाहिए उसे प्राप्त करने के तरीके के बारे में सोचने की कोशिश करूंगा अभी के लिए आप जो भी भागों का निर्माण कर सकते हैं उसका निर्माण शुरू करें अथर्व ने निर्देश दिया सभी के गूंगे भावों पर हंसते हुए जबकि उन्नत परिवहन कैरेज अद्भुत था इसकी आवश्यक सामग्री अत्यंत दुर्लभ थी कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म अधिकांश आवश्यक सामग्रियों की खरीद करने में सक्षम हो सकती है लेकिन मुख्य सामग्री ग्रीन एबोनी को हासिल करना बेहद मुश्किल था यहां तक कि अथर्व भी केवल कुछ ही स्थानों के बारे में सोच सकता था जहां इस लकड़ी का उत्पादन हुआ हो इसके अलावा ये सभी स्थान बहुत उच्च स्तरीय मानचित्र थे यहाँ तक कि सबसे निचले स्तर का स्थान क्राइम गोस्ट रिज नामक स्तर साठ का नक्शा था दुर्भाग्य से यह एक तटस्थ मानचित्र था वर्तमान खिलाड़ियों के लिए वर्जित भूमि सिर्फ टीयर दो के खिलाड़ी ही वहां पिसने की हिम्मत करेंगे हालांकि उन्नत परिवहन कैरिज के लिए अथर्व यात्रा करने का इरादा रखता था यदि उसके पास परिवहन गाड़ी होती तो वह अपनी योजना से पहले स्टोन फॉरेस्ट टाउन से अन्य एनपीसी शहरों के लिए व्यापार मार्ग खोल सकता था जिसके बाद अथर्व ने उन्नत जीवन शैली के खिलाड़ियों को उन्नत परिवहन कैरिज के घटकों पर शोध करने के लिए कहा जबकि उन्होंने मेलानोलिक स्माइल को पीछे रहने का निर्देश दिया दूसरों के चले जाने के बाद अथर्व ने उदास मुस्कान की ओर देखा और पूछा ब्लैकवाटर और हेवनली ट्रेडिंग फर्मों के साथ क्या स्थिति है युद्ध से पहले ब्लैकवाटर और हेवनली ट्रेडिंग फर्म दोनों ने कैंडल लाइट के साथ एक पागल मूल्य युद्ध छेड़ा था इस उम्मीद में कि वे स्टारमोन किंगडम के बाजार से कैंडल लाइट को बाहर कर देंगे जबकि वे जीरो विंग की वित्तीय ताकत को कम कर देंगे अब जब ब्लैकवाटर और हेवंस ड्यूरियल को इतनी भारी हार का सामना करना पड़ा था तो दोनों संघ किसी तरह की कार्रवाई करेंगे यह विशेष रूप से सच था क्योंकि जीरो विंग को तत्काल धन की आवश्यकता थी जैसा कि आपने अनुमान लगाया है उन्होंने अपनी कीमतें फिर से कम कर दी हैं उन्होंने विशेष रूप से अपने लाइटस्टोन की कीमतों में गिरावट की है अभी वे प्रत्येक लाइटस्टोन को केवल 30 कॉपर में बेच रहे हैं वे अब अपनी उत्पादन लागत को कवर करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं मेलाचोलिक स्माइल ने धीरे धीरे सूचना दी वर्तमान खिलाड़ियों के लिए लाइट एक आवश्यक वस्तु थी वे कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी उत्पाद भी थे अब जब ब्लैकवाटर और हेवनली ट्रेडिंग फर्मों ने अपनी कीमतें 30 कॉपर तक कम कर दी हैं तो कोई यह देख सकता है कि दोनों ट्रेडिंग फर्मों को कैंडल लाइट से कितनी नफरत है तीस पर कॉपर ब्लैकवाटर और हेवनली अपनी उत्पादन लागत तक को कवर नहीं कर सके कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म हालांकि अपने कई उन्नत जालसाजों के कारण अभी भी लाभ कमा सकती है इसके अलावा विशेष फोर रूम शक्तिशाली लपटों और अन्य सहायक उपकरणों के कारण लाइट स्टोन्स के लिए कैंडल लाइट की उत्पादन लागत केवल 20 कॉपर थी चूंकि वे खेलना चाहते हैं आइए अंत तक उनका मजाक उड़ाएं लाइट स्टोन्स को 25 कॉपर प्रत्येक के लिए बेचें हम विदेशी सहनशक्ति औषधि की बिक्री भी शुरू करेंगे अथर्व को इस स्थिति के बारे में कुछ खास महसूस नहीं हुआ उसने बहुत पहले से उस दिन के लिए तैयारी कर रखी थी जब लाइट स्टोन लाभदायक नहीं रहेंगे आखिरकार भगवान के डोमेन में लाइट स्टोन एक सामान्य उत्पाद थे वह उस धन से संतुष्ट था जो उसने पहले ही बना लिया था इस बीच वह जो एक्सोटिक स्टेमिना पोर्षण लॉन्च करने वाला था वह अलग था कैंडल लाइट का एक सोटिक स्टेमिना पोषण की रेसिपी पर विशेष अधिकार था इसकी कीमत भी आम खिलाड़ियों के बजट में थी यह निश्चित रूप से एक जरूरी औषधि थी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पोषण इकट्ठा करने वाले खिलाड़ियों के बीच लोकप्रिय हो जाएगा गॉड्स डोमेन में खिलाड़ियों की आय का एक मुख्य स्रोत कच्चा माल इकट्ठा करना था हालांकि बॉस की लड़ाइयों की तुलना में सामग्री इकट्ठा करते समय खिलाड़ियों ने कहीं अधिक सहनशक्ति का उपभोग किया इसके अलावा एक सामग्री जितनी दुर्लभ होगी उतना ही अधिक स्टैमिना खिलाड़ी उपभोग करेंगे इसके परिणामस्वरूप बार बार जबरन ब्रेक लिया गया और सीमित समय इकट्ठा किया गया एक बार जब उन्होंने विदेशी सहनशक्ति पोषण जारी किया तो अथर्व ने यह मानने से इनकार कर दिया कि खिलाड़ी जो राक्षसों से लड़ने के बजाय सामग्री इकट्ठा करना पसंद करते थे इस नए उत्पाद को पास कर देंगे मैं इसे तुरंत करूंगा उदास मुस्कान ने उत्साह से सिर हिलाया ब्लैकवाटर और हेवनली ट्रेडिंग फर्म के कार्यों ने उसे परेशान कर दिया था अब जब वे एकसोटिक स्टेमिना पोर्षण लॉन्च करने वाले थे तो वह देखना चाहती थी कि उन दो व्यापारिक फर्मों ने कैंडल लाइट के साथ प्रतिस्पर्धा करने की योजना कैसे बनाई जिसके बाद मेलांचोलिक स्माइल ने कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के प्रथम तल के हॉल के लेआउट को पुनर्गठित किया विशेष रूप से विदेशी सहनशक्ति औषधि के लिए एक काउंटर स्थापित किया नए काउंटर ने तुरंत कई खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित किया नेता उधर देखो ऐसा लगता है कि मोमबत्ती की रोशनी ने एक नया उत्पाद लॉन्च किया है चलो चलें और एक नजर डालें तुरंत पहली मंजिल के नए काउंटर के आसपास बड़ी भीड़ जमा हो गई बकवास क्या यह औषधि थोड़ी बहुत आश्चर्यजनक नहीं है यह वास्तव में सहनशक्ति को पुनः प्राप्त कर सकता है जब भीड़ ने विदेशी स्टेमिना पोषण का वर्णन पढ़ा तो उनकी आंखों में उत्साह चमक उठा प्रमुख छिपी हुई विशेषताओं में से एक के रूप में सहन शक्ति ने खिलाड़ियों के दैनिक जीवन में एक बड़ी बड़ी भूमिका निभाई हालांकि यह बहुत सीमित था लीडर हमने इस बार जैकपॉट मारा है यह स्टेमिना पोषण साइलेंट स्वैम्प के लिए एकदम सही है इस औषधि के साथ हमें दलदल के केंद्र तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होगी एक स्तर अड़तीस बर्सरकर ने अपनी टीम चैट के माध्यम से कहा आप इतनी जल्दी में क्यों हैं आइए पहले कीमत पर एक नज़र डालते हैं यदि यह बहुत महंगा है तो मैं दलदल के बाहरी क्षेत्र में पीसना पसंद करूंगा एक स्तर उनतालीस शीड योद्धा ने उत्तर दिया हालांकि हालांकि उनका लहजा उदासीन था लेकिन उनकी आंखों में प्रत्याशा चमक उठी आंतरिक रूप से उन्होंने आशा व्यक्त की कि विदेशी सहनशक्ति औषधि बहुत महंगी थी साइलेंट स्वैम्प लेवल 40 से लेवल 50 हाई रिसोर्स मैप था हालांकि जैसा कि यह नक्शा एक दलदल था खिलाड़ियों ने इसमें से गुज़रते हुए बहुत सहनशक्ति का सेवन किया इसके अलावा जितना गहरा दलदल में उतरता है उतना ही अधिक सहनशक्ति का उपभोग करता है इसलिए विभिन्न बड़े संघों ने सदस्यों को वहां ऊपर ले जाने के लिए भेजने से परहेज़ किया था इसने अपने जैसे स्वतंत्र खिलाड़ियों के लिए पैसा बनाने और जल्दी से स्तर ऊपर करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया इससे पहले उनकी टीम की साइलेंट स्वैम्प की पहली यात्रा पर उन्होंने पाया कि नक्शा खजाने की, की भूमि थी वे अक्सर दुर्लभ खनिज और जड़ी-बूटियां लेकर आते थे हालांकि वहां बहुत सारे राक्षस थे अगर कोई सावधान रहे तो वे एक महत्वपूर्ण फसल लेकर भाग सकते हैं दुर्भाग्य से इस अवधि के दौरान अधिक खिलाड़ी साइलेंट दलदल में चले गए जिससे दलदल के बाहरी क्षेत्र से उनकी आय घट गई फिर भी वे आंतरिक और मुख्य क्षेत्रों में उद्यम नहीं कर सके क्योंकि उनकी सहनशक्ति की खपत बहुत अधिक होगी यदि वे लगभग क्षीण सहनशक्ति वाले राक्षसों का सामना करते हैं तो निस्संदेह उन्हें टीमवाइव का सामना करना पड़ेगा हालांकि यदि वे बहुत अधिक ब्रेक लेते हैं तो वे अधिक दूर नहीं जाएंगे और उनकी फसल काफी कम होगी यदि वे इस विदेशी सहनशक्ति औषधि का उपयोग कर सकते हैं तो वे दलदल के मूल और इसके प्रचुर संसाधनों तक पहुंच सकते हैं उस समय उनकी दैनिक आय आसमान छूती होगी उनकी टीम सभी को माउंट से लैस करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा करने में भी सक्षम होगी तब तक वे अन्य एडवेंचर टीमों की ईर्ष्या अर्जित कर लेंगे चूंकि यह स्तर उनतालीस शीड योद्धा अपने विचारों में व्यस्त था काउंटर के आसपास के अन्य स्वतंत्र खिलाड़ियों ने अपने संभावित लाभ और हानियों की गणना की जल्दी देखो पूर्व बिक्री मूल्य समाप्त हो गया है क्या मोमबत्ती की रोशनी में गलत कीमत सूचीबद्ध है लगता है कोई गड़बड़ हुई है विदेशी सहनशक्ति औषधि इतनी सस्ती कैसे हो सकती है जब हॉल में खिलाड़ियों ने पूर्व बिक्री मूल्य देखा तो वे सदमे में चिल्ला उठे ब्लैक वाटर और हेवनली ट्रेडिंग फर्मों द्वारा बेचे जाने वाले मिश्रण की अवधि केवल दो घंटे थी दूसरी ओर एक्सोटिक स्टेमिना पोषण दस घंटे तक चला इसके अलावा माना मिश्रण के विपरीत जिसने उपयोगकर्ता के अधिकतम मान को केवल 10 परसेंट तक बढ़ाया विदेशी सहनशक्ति औषधि ने उपयोगकर्ता की अधिकतम सहन शक्ति में 10 परसेंट की वृद्धि की और सहनशक्ति वसूली दर में 80 परसेंट की वृद्धि की एक एक्सोटिक स्टेमिना पोषण मोटे तौर पर पांच मन मिश्रण के बराबर था फिर भी इसकी कीमत केवल दस चांदी के सिक्के प्रति बोतल थी यह माना मिश्रण से काफी सस्ता था वे इस पर कैसे विश्वास कर सकते थे हालांकि कुछ समय बाद भी काउंटर पर तैनात एनपीसी ने कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया इस स्थिति ने सभी को पागल कर दिया क्योंकि वे हांफने लगे और विदेशी स्टेमिना पोषण के सेल्स टाइमर को घूरने लगे एक सूटिक स्टेमिना पोषण की बिक्री शुरू होने में तीस मिनट का समय था हालांकि इनमें से किसी भी खिलाड़ी ने काउंटर से हटने का कोई संकेत नहीं दिया वे पंक्तिबद्ध होकर औषधि की बिक्री का इंतजार करने लगे उन्होंने अधिक धन इकट्ठा करने के लिए गुप्त रूप से अपनी पार्टी और टीम के सदस्यों से भी संपर्क किया जैसे ही खिलाड़ियों ने विदेशी सहनशक्ति औषधि के बारे में दूसरों को सूचित करना जारी रखा औषधि की खबर तेजी से जंगल की आग की तरह फैल गई इसके तुरंत बाद इसने व्हाइट सिटी में हंगामा खड़ा कर दिया रोमांच के क्षेत्र में लंबा समय बिताने वाले खिलाड़ियों और खिलाड़ियों को इकट्ठा करने के लिए एक एक्सुटिक स्टेमिना पोषण एक गॉडसेंट था विदेशी सहनशक्ति औषधि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कैंडल लाइट इस तरह से कुछ बेचेगी इससे हमें ट्विन टॉवर्स किंगडम के प्राचीन खंडहरों में कोई समस्या नहीं होगी किसी को तुरंत औषधि खरीदने के लिए भेजें जितना हो सके उतना खरीदो ट्विन टावर्स किंगडम की ओर जाने की तैयारी कर रही विभिन्न गिल्ड एलीट टीमों ने खबर मिलने के बाद तुरंत कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के लिए अपना रास्ता बनाया अपेक्षाकृत शांत कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म ने व्यापार के साथ तुरंत उछाल दिया इस बीच कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की दूसरी मंजिल के लाउंज में बैठे फीनिक्स रेन और ब्लू फीनिक्स इस स्थिति से हैरान थे बिग सिस रेन जीरो विंग अद्भुत है जानकारी एकत्र करने के लिए हमारे द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद हमें अभी तक स्टेमिना रिकवरी में सक्षम कोई भी आइटम नहीं मिला है फिर भी जीरो विंग बिक्री के लिए एक को रखने वाला है इसके अलावा यह इतना सस्ता है इसके साथ ब्लैकवाटर और हेवंस ब्यूरियल हताशा में गुर्रा रहे होंगे ब्लू फीनिक्स ने कहा जब वह पहली मंजिल के हॉल में खिलाड़ियों की लाइन को देख रही थी कोई भी केवल दस चांदी के सिक्कों के लिए दस घंटे तक चलने वाला एक विदेशी सहनशक्ति औषधि खरीद सकता है यह प्रति घंटा एक सिल्वर भुगतान करने के बराबर था सामान्य खिलाड़ी भी इसे वहन कर सकते थे साधारण खिलाड़ियों ने सीमित आय अर्जित की आवश्यक वस्तुओं पर अपना पैसा खर्च करने के अलावा यदि सामान्य खिलाड़ी जल्दी से अपना स्तर बढ़ाना चाहते हैं या अधिक जड़ी बूटियों और खनिजों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो वे विदेशी सहनशक्ति औषधि खरीद सकते हैं हालांकि अगर ये खिलाड़ी विदेशी सहनशक्ति औषधि खरीदते हैं तो उनके पास कुछ समय के लिए कहीं और खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे इसके साथ अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ब्लैक वाटर और हेवंस ब्यूरियल की कीमत में कटौती अब बेकार हो गई थी सहमति में सिर हिलाते हुए फीनिक्स रेन ने कहा जीरो विंग वास्तव में बहुत मजबूत हो गया है यह अफसोस की बात है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है अन्यथा वे थंडर द्वीप पर लड़ाई जीतने में मेरी मदद कर सकते थे इस बार उसे जीरो विंग के साथ दो मुद्दों पर चर्चा करनी थी सबसे पहले डार्क एरिना माना जाता है युद्ध टीम का अगला मैच तय हो चुका था और यह कल दोपहर को होगा एक बार मैच समाप्त हो जाने के बाद डार्क एरिना बड़े पैमाने पर नीलामी की मेजबानी करेगा उसने अब तक जो कुछ सुना था उसके आधार पर सभी प्रकार की कीमती और मूल्यवान वस्तुएं बिक्री के लिए होंगी दूसरा मामला थंडर द्वीप से संबंधित है वर्तमान में थंडर द्वीप पर प्रतिस्पर्धा प्रत्येक बीते दिन के साथ और अधिक तीव्र होती गई थंडर द्वीप के लिए और अधिक संघ पहुंचने लगे थे वास्तव में नॉड्रेगन सम्राट ने इस मामले के लिए अपने परिवार के प्रभाव को भी नियोजित किया था हालांकि उसने भी अपने परिवार के प्रभाव का इस्तेमाल किया था फिर भी उसे द्वीप के संबंध में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इसलिए उसने अपनी सहायता के लिए जीरो विंग के कुछ सदस्यों को उधार लेने की योजना बनाई जैसे ही फीनिक्स रेन और ब्लू फीनिक्स ने बातचीत की अथर्व ने लाउंज में प्रवेश किया कितना शक्तिशाली मानसिक उत्पीड़न है जब अथर्व उनके साथ आया तो ब्लू फीनिक्स चौंक गया वह हमेशा जीरो विंग के गिड लीडर की ताकत के बारे में जानने को उत्सुक रहती थी अब जब वह उस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिल रही थी तो ऐसा लगेगा कि उसके बारे में अफवाहें सच थीं द्वारा महसूस किए गए शक्तिशाली मानसिक उत्पीड़न ने उसे कुछ घुटन महसूस कराई एक खिलाड़ी के बजाय अथर्व एक मानवीय राक्षस की तरह महसूस करता था फीनिक्स रेन हालांकि विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं थे उसने स्टोन फॉरेस्ट टाउन में अथर्व की लड़ाई का वीडियो देखा था अन्यथा वह कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की व्यक्तिगत यात्रा से परेशान नहीं होती क्या मैं जान सकता हूं कि फीनिक्स पैवेलियन मास्टर अचानक मेरे ध्यान का अनुरोध क्यों करता है क्या उन्होंने प्रतियोगिता की आधिकारिक तारीख की घोषणा कर दी है अपनी सीट पर बैठने के बाद अथर्व ने फोनिक्स रेन को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा हालांकि असुर युद्ध दल के विरोधियों का निर्णय कुछ समय पहले ही कर लिया गया था प्रतियोगिता की तिथि एक रहस्य थी डार्क एरिना में यह प्रतियोगिता उनके लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण थी जैसे जैसे डार्क एरिना में बड़ी कंपनियों ने भाग लिया प्रत्येक मैच पर दांव बढ़ते गए इस बिंदु पर जीतने वाली टीम के लिए बीस या तीस हजार स्वर्ण जीतना मुश्किल नहीं होना चाहिए जीरो विंग के लिए जिसे तत्काल धन की आवश्यकता थी डार्क एरिना आय का एक अमूल्य स्रोत था आप आधे सही हैं प्रतियोगिता कल रात दस बजे फिल्म ड्रैगन साम्राज्य की शाही राजधानी में होगी फीनिक्स रेन ने हंसते हुए कहा मैं यहां जीरो विंग से दस खिलाड़ियों को उधार लेने के लिए भी हूं हमारे कुछ खिलाड़ियों को उधार लें अथर्व ने फिनिक्स रेन दिया ड्रैगन फिनिक्स मंडप एक सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड था मंडप ने प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में सदस्यों की भर्ती की और उनके पास गिल्ड पोषित विशेषज्ञों के टन थे फिर भी उसी ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन ने उसे जनशक्ति उधार लेने के लिए कहा था यह अकल्पनीय था यह सही है मैं एक काम में मेरी मदद करने के लिए दस लोगों को उधार लेना चाहता हूं एक बार कार्य पूरा हो जाने पर मैं आपको पांच हजार मैजिक क्रिस्टल का भुगतान करूंगा यदि कार्य विफल रहता है तो मैं एक हज़ार क्रिस्टल का भुगतान करूंगा निश्चित रूप से अगर मेरे ऋण के दौरान कोई मौत होती है तो मैं अतिरिक्त मुआवजे की पेशकश करूंगी फीनिक्स रेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया क्या मैं जान सकता हूं कि गिड लीडर ब्लैक फ्लेम इस बारे में क्या सोचते हैं आमतौर पर किसी खोज में मदद के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करते समय भुगतान या तो क्रेडिट या सिक्कों के रूप में होता था एक साधारण विशेषज्ञ को किराए पर लेने के लिए केवल कई गोल्ड की कीमत चुकानी होगी जबकि शीर्ष विशेषज्ञों की कीमत भी लगभग 100 गोल्ड ही होगी इस बीच उसने भुगतान के रूप में मैजिक क्रिस्टल की पेशकश की थी मैजिक क्रिस्टल सिक्कों की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान थे यह एक कठिन मुद्रा थी विभिन्न बड़े संघों ने पहले से ही मैजिक क्रिस्टल को रणनीतिक संसाधन के रूप में माना है वे स्वतंत्र साहसी टीमों या छोटी कार्यशालाओं से 10 या 20 मैजिक क्रिस्टल खरीदने में सक्षम हो सकते हैं लेकिन जब संख्या तीन अंकों में चढ़ गई तो बाजार में पर्याप्त मात्रा में मिलना व्यावहारिक रूप से असंभव था पांच मैजिक क्रिस्टल किसी भी बड़े गेट के लिए काफी बड़ी राशि थी कुछ बड़े संघों के गोदामों में इतने जादुई क्रिस्टल भी नहीं थे अब अपने दस विशेषज्ञों को ऋण देकर जीरो विंग संभावित रूप से पांच हजार मैजिक क्रिस्टल कमा सकता है यह निश्चित रूप से एक लुभावना प्रस्ताव था फीनिक्स पवेलियन मास्टर क्या आप कार्य का विवरण प्रकट कर सकते हैं प्रस्ताव को सुनकर अथर्व वास्तव में ललचा गया था गिल्ड चलाने के अलावा जीरो विंग वर्कशॉप स्थापित करने का उनका लक्ष्य कमीशन स्वीकार करना था हालांकि फीनिक्स रेन जैसे अनुरोध दुर्लभ थे वह ठीक है कार्य बहुत सरल है मुझे द्वीप पर एक प्राचीन टावर की रक्षा करने के लिए ज़ीरो विन के सदस्यों की जरूरत है जिससे किसी और को इसे पकड़ने से रोका जा सके जैसा कि द्वीप एक बहुत ही खास जगह है एक समय में बहुत सीमित संख्या में खिलाड़ी ही वहां हो सकते हैं जब समय आएगा तो हमारे दुश्मन ज़्यादा जनशक्ति नहीं भेज पाएंगे यह एक चमत्कार होगा यदि वे बीस या तीस खिलाड़ी भेज सकें जब तक जीरो विंग के सदस्य अपने सौंपे गए टॉवर की रक्षा करते हैं जब तक कि मंडप का मुख्य बल एक राक्षस के शिविर पर कब्ज़ा नहीं कर लेता तब तक कार्य सफल रहेगा फिनिक्स रेन ने इस मामले पर कुछ विचार करने के बाद समझाया गॉड्स डोमेन की महाशक्तियों के बीच थंडर द्वीप की खबर लंबे समय से फैली हुई थी यह कोई बड़ा रहस्य नहीं था वर्तमान में थंडर द्वीप के एक बड़े हिस्से को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न महाशक्तियां हर जगह से सहायकों की भर्ती कर रही थीं कुछ ने बेहद शक्तिशाली स्वतंत्र खिलाड़ियों को भी काम पर रखा था यह सब थंडर द्वीप पर कब्जा करने की अनूठी परिस्थितियों के कारण था यह ऐसा मसला नहीं था जिसे बड़ी फौज से सुलझाया जा सके मात्रा के बजाय एक आवश्यक गुणवत्ता इसलिए वह जीरो विंग की मदद मांग रही थी डार्क एरिना में जीरो विंग ने शानदार प्रदर्शन किया था इसके सदस्य निश्चित रूप से थंडर द्वीप पर युद्ध में भाग लेने के योग्य थे इसके अलावा उसने कहीं और बहुत से शीर्ष विशेषज्ञ पाए थे हालांकि वह विशेष रूप से थंडर द्वीप पर कब्जा नहीं कर सकती है लेकिन उसे एक छोटे से हिस्से को नियंत्रित करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जब शुरुआती झड़प खत्म हो गई तो उसका अगला कदम अन्य सुपर सुपरगिड्स से धीरे धीरे लड़ना होगा थंडर आइलैंड अथर्व के दिमाग में तुरंत ही थंडर आइलैंड के बारे में जानकारी कौंध गई थंडर आइलैंड बेहद खतरनाक समुद्री क्षेत्र में था उस क्षेत्र को मृत्यु सागर के नाम से जाना जाता था मृत्यु के सागर में बहुत सारे खजाने और आकस्मिक मुलाकातें मिल सकती हैं अंचल में कई प्राचीन खंडहर भी थे समुद्र क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में संसाधन कल्पना से परे हैं इस प्रकार कई समुद्री साहसी दल अक्सर मौत के सागर का पता लगाते हैं इस बीच सी ऑफ देथ में एकमात्र स्थान जहां खिलाड़ी निवास कर सकते थे थंडर द्वीप था समुद्री क्षेत्र के अन्य द्वीपों की तरह खिलाड़ी उन पर लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते थे एक बार रात के आकाश ने मौत के समुद्र को ढक लिया बड़ी संख्या में पानी के नीचे के राक्षस दिखाई दिए खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इनमें से बहुत सारे राक्षस थे थंडर द्वीप केवल एक अपवाद था क्योंकि द्वीप को पूरे वर्ष गड़गड़ाहट और बिजली प्राप्त हुई थी रात होने के बाद भी समुद्री राक्षस टापू पर नहीं पहुंच सके थंडर आइलैंड मौत के सागर में एक तरह का सुरक्षित ठिकाना बन गया नतीजतन अतीत में थंडर द्वीप पर रक्तपात लगातार होता रहा था गॉड्स डोमेन की विभिन्न महाशक्तियां सभी अपने लिए थंडर द्वीप चाहती थीं हालांकि थंडर आइलैंड पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था अतीत में इनमें से किसी भी महाशक्ति का पूरे द्वीप पर नियंत्रण नहीं था अंत में विभिन्न महाशक्तियों ने संयुक्त रूप से पवित्र भूमि को समुद्र में संचालित किया अथर्व पहले भी कई बार इस द्वीप का दौरा कर चुका है दुर्भाग्य से जैसा कि उनका गिल्ड बहुत कमजोर था वे इस पवित्र भूमि में एक छोटा आधार स्थापित करने के योग्य नहीं थे हर बार जब भी वह जाते थे तो उन्हें नाव से थंडर द्वीप की यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता था अथर्व ने इस जीवन में इतनी जल्दी थंडर द्वीप पर युद्ध शुरू होने की उम्मीद नहीं की थी यह कार्य बहुत लंबा नहीं चलेगा यह एक या दो दिन में खत्म हो जाएगा अथर्व के चुप रहने के बाद फीनिक्स रेन ने जोड़ा थंडर द्वीप पर कब्जा करना सामान्य शहरों से अलग था जहां लक्षित शहर पर कब्जा करने के बाद चीजें खत्म हो जाएंगी थंडर द्वीप पर शहर पर अधिकार हासिल करने के लिए राक्षस छावनी पर कब्जा करने की जरूरत है जितने अधिक पड़ावों पर कब्जा किया जाता है उतने ही अधिक अधिकार का उपयोग किया जा सकता है यदि कोई थंडर द्वीप पर राक्षसों के सभी पड़ावों पर कब्जा कर लेता है तो वे द्वीप पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त कर लेंगे इस बीच यह प्राधिकरण प्रतियोगिता महीने में एक बार होती है जिसमें प्रत्येक प्रतियोगिता आठ घंटे तक चलती है इसके अलावा प्रतियोगिता के दिन के दौरान थंडर द्वीप एक प्राचीन जादू सरणी में छा जाएगा यदि कोई उस दौरान द्वीप पर पैर रखना चाहता था तो उन्हें प्रवेश पास की आवश्यकता होती थी प्रवेश पास के बिना खिलाड़ियों को स्वचालित रूप से थंडर द्वीप से बाहर ले जाया जाएगा प्रत्येक प्रवेश पास ने दस लोगों को द्वीप में प्रवेश करने की अनुमति दी और मौत के सागर में मालिकों को मारकर प्राप्त किया जा सकता था मौत का सागर पहले से ही एक अत्यंत खतरनाक समुद्री क्षेत्र था यह बहुत सारे समुद्री राक्षसों का घर था और ये राक्षस जमीन पर पाए जाने वाले राक्षसों से कहीं ज्यादा मजबूत थे मौत के सागर के माध्यम से नौकायन करते समय टीम टीमवाइक की संभावना बहुत अधिक थी जोन में मालिकों का शिकार करते समय उल्लेख नहीं किया गया था वर्तमान में विभिन्न महाशक्तियां मालिकों को खोजने और मारने की पूरी कोशिश कर रही थीं इससे उन्हें भारी नुकसान हुआ था ड्रैगन फिनिक्स मंडप कोई अपवाद नहीं था इस प्रकार प्रवेश पास अत्यधिक कीमती थे ये महाशक्तियां सामान्य विशेषज्ञों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती थीं वे जितने शीर्ष विशेषज्ञों को इस द्वीप पर ले जा सकते थे ले जाएंगे ऐसा करने से ही वे प्रवेश पास का अपनी पूरी क्षमता से उपयोग कर सकते थे कुछ देर स्थिति पर विचार करने के बाद अथर्व ने फीनिक्स रेन को देखा और पूछा क्या मैं जान सकता हूं कि फीनिक्स पवेलियन मास्टर के पास अभी कितने एंट्री पास हैं अथर्व का सवाल सुनकर फीनिक्स रेन और ब्लू फीनिक्स दोनों सन्न रह गए विभिन्न महाशक्तियां प्रवेश पासों पर कड़ा पहरा लगा रही थीं उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जीरो विंग को भी इस बारे में पता चलेगा हालांकि जब फीनिक्स रेन ने युआन टाइक्सिन के साथ अपनी मुलाकात के बारे में सोचा तो वह समझ गई हालांकि गुप्त मंडप थंडर द्वीप पर लड़ने वाली महाशक्तियों में से एक नहीं था बाद में एक शक्तिशाली सूचना नेटवर्क था यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अथर्व को प्रवेश पास के बारे में पता था आपके सूचना नेटवर्क को कम करके नहीं आका जा सकता है मैं इसे आपसे नहीं छिपाऊंगा मेरे पास वर्तमान में 20 से अधिक पास हैं दूसरे शब्दों में मैं द्वीप पर प्रमुखता के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए 200 से अधिक लोगों को ला सकता हूं फीनिक्स रेन ने मुस्कुराते हुए कहा क्या आप इस पाई के एक टुकड़े में भी रुचि रखते हैं हालांकि वह जीरो विंग को कम नहीं आकेगी लेकिन इसमें शामिल लोग गॉड्स डोमेन की महाशक्तियां थीं जीरो विंग की तुलना में वे बिल्कुल अलग स्तर पर थे जीरो विंग के कितने कम विशेषज्ञों के साथ थंडर द्वीप पर लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा फ़ीनिक्स रेन का सवाल सुनकर अथर्व ने अपना सिर हिला दिया फ़ीनिक्स रेन की धारणा के विपरीत उन्हें थंडर द्वीप में विशेष रुचि नहीं थी फीनिक्स रेन को अथर्व की प्रतिक्रिया वाजिब लगी अगर अथर्व थंडर आइलैंड की स्थिति को सही मायने में समझता था तो उसे पता था कि आने वाला मुकाबला कितना जोरदार होगा प्रतियोगिता में पहले से ही तीन सुपर गिल्ड भाग ले रहे थे सुपर फर्स्ट सुपरफर्स्ट्रेट गिल्ड का उल्लेख नहीं करना इसके अलावा आगामी झगड़े मामूली नहीं होंगे ये गिल्ड अपने सभी शीर्ष खिलाड़ियों को भेज रहे थे इनमें से प्रत्येक अस्तित्व थंडर द्वीप पर अधिकार चाहता था इस तरह वे अस्थायी रूप से एक गिल्ड ट्रांसफर पॉइंट स्थापित कर सकते थे और सी ऑफ डेथ का पता लगाने के लिए एक नीम स्थापित कर सकते थे आखिरकार मौत का सागर मुख्य महाद्वीप से काफी दूर था यहां तक कि अगर खिलाड़ी निकटतम तटीय शहर से स्पीड बोट पर यात्रा करते हैं तो उन्हें मौत के सागर तक पहुंचने के लिए एक दिन से अधिक समय तक यात्रा करनी होगी थंडर द्वीप के रास्ते में खिलाड़ियों को एक खतरनाक समुद्री क्षेत्र से भी गुजरना होगा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक पर्याप्त शक्तिशाली नौसैनिक बेड़े की भी आवश्यकता थी समुद्र के राक्षस भूमि के राक्षसों से अधिक शक्तिशाली थे बॉसरैंक वाले समुद्री राक्षसों का उल्लेख नहीं करना यहां तक कि ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन को भी ऐसे ही एक बॉस को मारने के लिए बड़ी संख्या में संभ्रांतों और विशेषज्ञों की बलि देनी पड़ी थी इनमें से एक छापे के दौरान वे आसानी से तीस जहाज़ों को खो सकते थे यहां तक कि पहले दर्जे के गिड भी इस तरह के नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे फिर भी इतने बलिदानों के बाद भी वे केवल एक या दो प्रवेश पास ही प्राप्त कर पाते थे जीरो विंग के लिए जिसके पास नौसेना की नींद नहीं थी अगर वह इस प्रतियोगिता में शामिल होने की कोशिश करता है तो वह ड्रैगन फिनिक्स मंडप से कहीं अधिक खो देगा मुझे बीस लॉट दे दो मैं दो प्राचीन मीनारों की रक्षा करने में आपकी सहायता कर सकता हूं मेरी कीमत बीस हजार मैजिक पिस्टल और एक अस्थाई स्थानांतरण बिंदु है अगर हम असफल होते हैं तो मैं एक भी सिक्का नहीं लूंगा मुझे भी मौतों के लिए किसी मुआवजे की आवश्यकता नहीं होगी अथर्व ने मामले पर कुछ विचार करने के बाद कहा थंडर द्वीप पर राक्षसों के शिविरों पर कब्जा करना बहुत कठिन था इन शिविरों में राक्षस द्वीप पर खिलाड़ियों पर निर्भर थे ये राक्षस आमतौर पर सरदार रैंक और ऊपर के थे खिलाड़ियों के टीयर दो में पहुंचने से पहले इन शिविरों का बचाव करने वाले बॉस ग्रैंड लॉर्ड्स के रूप में तय किए जाएंगे अन्य संघों द्वारा घात लगाए जाने के जोखिम सहित एक छावनी पर कब्जा करने की कठिनाई एक नजर में स्पष्ट थी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन छावनियों में राक्षसों के पास अत्यधिक उच्च रक्षा और जादू प्रतिरोध था इन शिविरों पर सामान्य रूप से छापा मारना संभव नहीं था कठिनाई को कम करने के लिए किसी को प्राचीन टावरों के शौकीनों की जरूरत थी इस बीच जितने अधिक प्राचीन टावरों पर कब्जा होगा इन राक्षसों से निपटना उतना ही आसान हो जाएगा हालांकि थंडर द्वीप में सीमित संख्या में प्राचीन टॉवर थे विभिन्न बड़े गिर्ड निश्चित रूप से इन टावरों को लेने के लिए अपने पुरुषों को भेज देंगे हालांकि वे ऐसा करने के लिए केवल कुछ ही खिलाड़ी भेजेंगे आख़िरकार राक्षसों के डेरे सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य थे एक प्राचीन टॉवर को सुरक्षित करने के लिए आमतौर पर पंद्रह से बीस खिलाड़ियों को भेजा जाता है और ये गिल्ड आमतौर पर तीन या चार टावरों पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं एक बार ऐसा करने के बाद अपने विशेषज्ञों की ताकत के साथ वे लगभग सौ खिलाड़ियों के साथ एक राक्षस शिविर को गिरा सकते थे दो प्राचीन टावरों की रक्षा करने की उनकी पेशकश निस्संदेह फीनिक्स रेन पर कुछ बोझ से राहत देगी राक्षस शिविर पर कब्जा करने में उसकी मदद करने के लिए उसके पास अतिरिक्त दस खिलाड़ी होंगे आप दो प्राचीन टावरों को सुरक्षित करेंगे फीनिक्स रेन गहरी सोच में पड़ गई प्राचीन टावरों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उसने पहले प्रत्येक टावर में बीस खिलाड़ियों को भेजने का फैसला किया था उसकी योजना साठ खिलाड़ियों को तीन प्राचीन टावरों पर कब्जा करने के लिए भेजने की थी उसके पास जो अन्य एक से अधिक खिलाड़ी थे वे एक पड़ाव पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त थे यह उनकी सबसे रूढ़िवादी योजना थी आदर्श रूप से वह दो पड़ावों पर कब्जा करना चाहती थी हालांकि यह बहुत कठिन था अगर अथर्व ने जो कहा वह सच था और वह सिर्फ 20 खिलाड़ियों के साथ दो प्राचीन मीनारों को बनाए रख सकता था तो वह अपने लिए अतिरिक्त 20 खिलाड़ियों को बचा सकती थी यदि वह अपने बेड़े का विस्तार करने के लिए अधिक प्रयास करती है तो वह प्रतियोगिता के दिन से पहले दो या तीन और प्रवेश पास प्राप्त कर सकती है तब तक उसके पास दो राक्षस शिविरों को प्राप्त करने का अवसर होगा केवल अथर्व के ट्रांसफर पॉइंट की शर्त से सहमत होना कुछ मुश्किल था थंडर द्वीप पर कब्जा किए गए प्रत्येक राक्षस शिविर के लिए वे कस्बे में दो अस्थायी गिल्ड ट्रांसफर पॉइंट अर्जित करेंगे उसने पहले ही एक स्थानांतरण बिंदु को दूसरे बड़े गिल्ड को देने का वादा किया था जो उसकी सहायता करने के लिए सहमत हो गया था यदि बड़े गिल्ड के लिए नहीं कहा जाता तो उसे पहली बार में इतने प्रवेश पास नहीं मिलते अगर उसने अथर्व के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो उसे दो राक्षस शिविरों को सुरक्षित करना पड़ा हालांकि बहुत अधिक अनिश्चितताएं थीं इसके अलावा फीनिक्स रेन को यह विश्वास करना मुश्किल था कि जीरो विंग के पास इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ थे जो केवल बीस लोगों की टीम के साथ दो प्राचीन टावरों की रक्षा करने में सक्षम थे क्या कोई समस्या है फीनिक्स रेन को अपने प्रस्ताव पर विचार करते हुए देखने के बाद अथर्व खुद को पूछने से नहीं रोक सका गिल्ड लीडर ब्लैक फ्लेम आपको सच बताने के लिए प्रत्येक कैप्चर किए गए मॉन्स्टर कैंप में केवल दो अस्थायी गिल्ड ट्रांसफर पॉइंट प्रदान किए जाते हैं उनमें से मैंने पहले ही फर्मामेंट गिल्ड से एक वादा किया है हालांकि फर्मामेंट केवल एक प्रथम श्रेणी का गिल्ड है गिल्ड अपनी समुद्री शक्ति का विकास कर रहा है वर्तमान में इसकी नौसेना कई सुपरफर्स्टरेट गिल्ड से भी अधिक मजबूत है यदि उनके लिए नहीं तो मुझे शुरुआत में इतने सारे प्रवेश पास नहीं मिलते फीनिक्स रेन ने समझाया आकाश अथर्व ने अपने अतीत से गिल्ड को याद किया फर्मामिट गिल्ड वास्तव में समुद्र में एक अधिपति था फर्मामिट ने दो तटीय एनपीसी शहरों पर कब्जा कर लिया था जिनकी आबादी लाखों में थी खेल के बहुत पहले इन दो शहरों ने अपनी समुद्री ताकत विकसित करने के लिए गिल्ड की नीम के रूप में कार्य किया इसके अलावा फर्मामिंट ने अपनी नौसेना को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया था हालांकि कुल मिलाकर यह सुपरफर्स्टरेट गिल्ड्स की तुलना में काफी कमजोर था समुद्र में लड़ाई गिल्ड विशेषज्ञों पर भरोसा नहीं करती थी गिड के जहाज़ों की मात्रा और गुणवत्ता ने भी प्रमुख भूमिका निभाई अतीत में यहां तक कि कुछ सुपर गिड्स भी समुद्र में फर्मामेंट की लड़ाकू शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाए थे यह कोई आश्चर्य नहीं था कि ड्रैगन फिनिक्स पैवेलियन ने हाल ही में अपना नौसैनिक विकास शुरू करने के बावजूद इतने सारे प्रवेश पास प्राप्त करने में कामयाबी क्यों हासिल की थंडर द्वीप की प्रतियोगिता कब शुरू होगी अथर्व ने पूछा प्रतियोगिता सात दिनों में शुरू होगी हालांकि द्वीप की यात्रा में पूरा एक दिन लगता है इसलिए हमारे पास तैयारी के लिए केवल छह दिन हैं फीनिक्स रेन ने उत्तर दिया और अथर्व को एक विचित्र रूप दिया उसे समझ नहीं आया कि अथर्व ने ऐसा सवाल क्यों किया अथर्व ने हंसते हुए कहा सात दिन काफ़ी होंगे फीनिक्स पवेलियन मास्टर मैं आपको एक और प्रस्ताव कैसे दूं मुझे साठ स्लॉट दे दो जब तक आपका पक्ष तीन प्राचीन मीनारों को धारण कर सकता है तब तक मेरा पक्ष आपके लिए एक राक्षसी छावनी पर कब्जा कर लेगा बदले में मुझे एक अस्थायी हस्तांतरण बिंदु के अलावा एक लाख मैजिक क्रिस्टल या समतुल्य मूल्य की भूमि चाहिए आप क्या सोचते हैं जब फीनिक्स रेन और ब्लू फीनिक्स ने अथर्व का नया प्रस्ताव सुना तो वे सदमे में उसकी ओर देखने लगे उन दोनों का मानना था कि अथर्व पागल था जबकि एक लाख मैजिक क्रिस्टल उनके लिए कोई समस्या नहीं थी वे यह नहीं समझ पाए कि अथर्व को इतना साहसिक दावा करने का विश्वास कहां से मिला उसके अनुमान के आधार पर इस धारणा के तहत कि वे योजना के अनुसार तीन प्राचीन टावरों पर कब्जा कर सकते हैं कम से कम एक शीर्ष विशेषज्ञों की आवश्यकता वाले राक्षस शिविर पर कब्जा कर सकते हैं हालांकि गिद आम खिलाड़ियों को विशेषज्ञों से भरा हुआ लगता था लेकिन महाशक्तियों की नज़र में जीरो विंग के पास केवल दस सही मायने में सक्षम विशेषज्ञ थे अथर्व पचास शेष स्लॉट कैसे भरने जा रहा था यहां तक कि अगर वह पचास सक्षम विशेषज्ञों को भेज सकता है तो केवल साठ खिलाड़ियों के साथ राक्षस शिविर पर कब्जा करना असंभव था फीनिक्स पैवेलियन मास्टर आपने मूल रूप से केवल एक पड़ाव पर कब्ज़ा करने की योजना बनाई थी है ना आपको पता होना चाहिए कि सेकंड कैप्चर करने की संभावना काफी कम है भले ही आप जीरो विंग को दूसरे पड़ाव के लिए लड़ने की अनुमति दें मुझे यकीन है कि आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा यदि आप अभी भी निश्चित नहीं हैं तो मैं एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता हूं। यदि जीरो विंग दूसरा शिविर सुरक्षित करने में विफल रहता है तो हम एक लाख मैजिक क्रिस्टल का भुगतान करेंगे इसके बारे में क्या ख्याल है